टू जस्ट यू नो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. मैं तो करने वाला हूँ, लेट मी टेल यू, मैं तो कुछ करने वाला हूँ. वो अच्छा बने बुरा बने मुझे नहीं पता. आई माइट हैव टू टेक सम हेल्प फ्रॉम समबडी एल्स, बट आई विल मेक श्योर दैट आई एम यूटिलाइजिंग माई टाइम. मैं ऐसा नहीं है कि वो सीधा शॉप से जाके मैं अपने विंडो पे लगा दूंगा. सी फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज सम एंथुजियाज्म, मुझे एंथुजियाज्म है, मुझे पॉजिटिविटी है कि हम लोग किसी एक एक फेज में से बाहर निकले हैं तो उसको सेलिब्रेट करते हैं. सबसे पहला तो थीम, यस वी आर सेलिब्रेटिंग अवर फ्रीडम फ्रॉम द क्राइसिस दैट वी हैड. दूसरी बात, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको हम कन्वे कैसे करेंगे, तो उसका अलग अलग तरीके होते हैं, यू सी. तो विच एवर वे यू वॉन्ट, जस्ट कीप योर सेल्फ एक्टिव एंड कीप योर सेल्फ हैप्पी, राइट? हैप्पी इन योर सेंस कि आप किसी को दिखाना चाहते हो कि देखिए हमने इतना अच्छी तरह से हमने इस चीज को यू नो वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग अवर दिवाली. कुछ भी करो, आप दिया जला लो तो भी चलेगा. यू नो इवन इफ यू ड्रॉ सम व्हाइट लाइंस ऑन टू द दिया, आप उसके ऊपर डेकोरेशन करोगे वो भी चलेगा. बट यू हैव टू डू समथिंग. लेट मी टेल यू, व्हाइल यू आर डूइंग इट यू विल फील वेरी हैप्पी. ओके, व्हेन यू डू समथिंग पॉजिटिव यू फील वेरी हैप्पी. ये बहुत ही यू नो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है. यू नो इवन साइकियाट्रिस्ट, जब कोई इंसान बहुत दुखी होता है, साइकियाट्रिस्ट क्या कहते हैं, डू वॉट यू लाइक, डू समथिंग, बट डू स्विमिंग, डू साइकिलिंग, डू जिमिंग, जिम करो, हॉर्स राइडिंग करो, स्काई डाइविंग करो, कुछ भी करो, बट एक्टिविटी मारो. यस, डजंट मैटर. देखिए आपका 45% है, किसी को पता नहीं कि 45% है, किसी को लगेगा आपका 100% है, तो उसको तो पता नहीं है ना कि फाइनल आउटपुट क्या दिखना है. वो लोग कहेंगे कि थोड़ा बेटर हो सकता था, लेकिन आपने थोड़ा तो कुछ किया ना, राइट? यू नीड टू डू समथिंग. मैं सभी मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा एनकरेज करूंगा दैट बी एक्टिव, ओके, एंड यू सी, एंड किसी तरह से बिजी रहो बस, ठीक है? तो अभी से दिवाली का मैं थोड़ा आपको पुश करूंगा. यस, यू लाइक लाइटिंग न्यू सीन्स, आप बहुत कुछ कर सकते हैं. देखिए हर चीज है ना हाइब्रिड बनती है, ऑलवेज टू गुड थिंग्स एड अप एंड दे कम आउट विथ थर्ड अनदर थिंग. हर चीज में ऐसा ही होता है, यानी कोई साइंटिस्ट सब कुछ जीरो से नहीं करता. मैं कहूँगा आप कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन ले लो, जो मैंने आपको चीज सिखाई है, जो आपने खुद ने रिसर्च की है, यहाँ वहाँ करके आपको कुछ तो ऐसा कुछ यूनिक सा बनाना है. एंड लेट अस हैव अ कॉम्पिटिशन, यानी आई एम नॉट यू नो आई कैन नॉट यहाँ पे मैं कोई ये नहीं करूँगा, कोई अनाउंसमेंट नहीं करूँगा कि मैं किसी को कुछ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा. मैं ये कह रहा हूँ डू इट फॉर योर सेल्फ एंड आई विल बी हैप्पी इफ यू डू इट एंड आई विल बी शो केसिंग इट. मैं उस चीज़ को एंकरिंग करूंगा कि आपने सब मुझे भेजा पर्सनली, और पर्सनली फिर मुझे जो लगेगा उनको मैं फिर से आपके स्टूडेंट्स को, आपके क्लासमेट्स को दिखा दूंगा. So that even others will be motivated to do it. ठीक है, तो you know character building जो कहते हैं, आपको पता होगा कि आर्मी में जब आप जाते हो, so shooting guns shooting guns the only thing they do. तो मुझे अगर इंडियन आर्मी के बारे में जानता है, so can somebody tell me what all you know army people teach to the soldiers? कौन सी चीज करवाते हैं? आर्मी में जाना सिर्फ गन्स को शूट करना तो नहीं है ना, क्या क्या होता है बताइए. आप नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगा. आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू बी एनलाइटेड, ओके, यानी जस्ट टेक लाइफ इन अ वेरी ब्रॉडर वे, नेवर टेक लाइफ इन अ वेरी सी. ट्रेनिंग में मैं आपको कहता हूँ उनको खाना खाने की जो डिसिप्लिन है, खाना खाने की जो डिसिप्लिन है, उनको उठना बैठना खड़े रहना, उनको कौन से टाइम पे क्या कौन सी चीज करनी है, उनको बोट सिखाए, उनको बोट ये वॉलीबॉल और स्पोर्ट्स जो होते हैं फिजिकली यू नो, उनको हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है और उनको बोट राइडिंग सिखाई जाती है, उनको स्काई डाइविंग सिखाई जाती है, उनको माउंटेन क्लाइंबिंग सिखाई जाती है. सो बेसिकली क्या है कि कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, उनको डिसिप्लिन सिखाई जाती है. और जब वो फुल प्रूफ एक सोल्जर बन के निकलते हैं बाहर, तो ऐसा नहीं है वो सिर्फ आर्मी में ही अच्छे होते हैं, वो पूरे लाइफ के लिए अच्छे बनते हैं. आप वो किसी भी एरिया में रहेंगे, किसी भी बिल्डिंग में रहेंगे, तो अगर कोई कहता है कि ये आर्मी में थे, तो उनका बोलने और चलने का ढंग ही अलग होगा. उनके ऊपर लोगों को इतना डिसिप्लिन होगा कि उनको उनका पर्सनैलिटी अलग होगा. यस, टू फेस एनी सिचुएशन, दैट्स व्हाट. तो उसको कहते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग. तो उसमें वो क्या करते हैं, उनको डांसिंग भी सिखाई जाती है, राइट? यानी कि किसी महान किसी इंसान ने कहा था
कि एवरी वॉरियर विल नो हाउ टू फाइट ऑल्सो एंड टू डांस ऑल्सो. उनको अच्छे से डांस करना भी आता है. जैसे आपने लगान में देखा होगा कि वो जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश में वो लेडी उसके साथ जो डांस करती है, जो गोरा जो सोल्जर होता है, ये सब डिसिप्लिन है जो कि बहुत बरसों से एक के बाद एक उनको पास ऑन की जाती है. यस एग्जैक्टली राइडिंग ऑल एज इन दे आर रेडी फॉर द फाइट ऑल्सो बट रेडी टू लिव ऑल्सो, रेडी टू लिव अ गुड लाइफ. ओके. और उनको दूसरों को भी एक यू नो दे नीड टू बी दे नीड टू सेट एन एग्जाम्पल कि अगर आपको रहना है तो ऐसे रहना है. डिसिप्लिन, आपने वो ठाकुर में नीचे वो उन लोग को देखा होगा, एनसीसी वालों को जो एकदम से डिसिप्लिन होते हैं. इवन आपने कैंटीन में खाते हुए देखा होगा कि यू नो दे स्टैंड आउट, दे स्टैंड आउट फ्रॉम अदर पीपल बिकॉज देयर ट्रेनिंग इज लाइक दैट. किसी भी सिचुएशन में उनको खड़ा रहना है और उनको उनको खेलना भी है, उनको दौड़ना भी है, उनको उनको सुनना भी है. दे नीड टू लर्न टू टेक ऑर्डर्स, राइट. तो ये मैं इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आप मान लो दिवाली के लिए कुछ कर रहे हैं, यू सी यू आर इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द दिवाली, तो ये नहीं है कि आप सिर्फ कोई कैजुअल फन के लिए कर रहे हैं. इसके अंदर आपका खुद का कैरेक्टर बिल्ड होगा, योर ओन क्रिएटिविटी विल बी एनहांस्ड वाइल डूइंग इट एंड यू विल बिकम अ गुड पर्सन इवेंचुअली, आई एम श्योर अबाउट इट. इवन मैंने देखा है कि चेतल सर जो VFX के थे वो हमेशा बिजी रहते थे. यू नो ही वॉज कॉन्स्टेंटली कीपिंग हिमसेल्फ ऑक्यूपाइड विथ न्यू न्यू थिंग्स. वो घर पे कुछ करते रहेंगे, अपना कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ ऐसा ओरिगामी करेंगे, यू नो. तो उससे क्या है ना, उनका दिमाग बहुत बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है. तो आपको भी मैं ये कहूंगा कि आप हमेशा ऑक्यूपाइड रहिए, बिजी रहिए, खुश रहिए, ओके. और दूसरों को खुश करने की ट्राई कीजिए इन अ गुड वे. ओरिगामी ये होता है कि ओरिगामी आपने जो वो रॉकेट प्लेन्स आप बनाते हैं पेपर को फोल्ड करके, आप पीकॉक बनाते हैं, यू सी यू मेक दीज बर्ड्स एंड यू मेक दीज एनिमल्स आउट ऑफ यू नो फोल्डिंग द पेपर्स, करेक्ट है. तो वो उसको ओरिगामी कहते हैं, वो जो पेपर फोल्ड करके जो, यस फन एक्टिविटी दैट्स व्हाट. तो वो करके क्या है ना कि वो एक्टिविटी अपने 3D से रिलेटेड नहीं है, बट यू नेवर नो. आप अगर उस ओरिगामी के पेपर्स प्लेन को बना के, अगर आप उसके 3D मॉडल बना के आप अगर उसको यू नो ऑनलाइन सेल कर सको, तो उसमें तो आपका एक्टिविटी भी हो गया और आपका सेलिंग भी हो गया ना. यस. तो बस आप करते रहिए. दिवाली के लिए मैं आपको बहुत ज्यादा विशेष दे रहा हूँ. रबी से मैं आपको थोड़ा पुश करूंगा तो हो सकता है कि बाय द टाइम फ्राइडे कम्स आप इतना तो चार्जअप हो जाए कि चलो सर इतना कह रहे हैं तो थोड़ा कुछ तो कर लेते हैं, राइट. 20 जन है यहाँ पे, 20 में से मैं एटलीस्ट कहूंगा एटलीस्ट 10 जन तो मुझे कुछ करके दिखाए. बाकी के 50% को आई कैन नॉट, आई मीन ज्यादा कर रहे तो कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट मुझे 10% 10 लोग करके दिखाएंगे तो आई विल बी हैप्पी. मुझे लगेगा कि एटलीस्ट मैंने कुछ लोगों को मेरा जो यू नो मैसेज है वो अच्छे से पहुंच गया. ओके ठीक है. तो नाउ एवरीथिंग कैन बी डन. यही है ना, दिमाग सोचते रहेगा तो उतना अच्छा है. सो कमिंग टू दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कर लेते हैं, करिए करिए. देखिए मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आप कुछ भी अच्छा करोगे तो मैं अप्रिशिएट करने के लिए या तो उसको उसमें गाइडेंस देने के लिए रेडी खड़ा हूँ यहाँ पे. करोगे तो अच्छा ही है, नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. जो है वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर कुछ होता है वो सभी के लिए फायदेमंद होगा, राइट. किसी एक के अच्छा करने से आप सबका भला हो सकता है. सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो देखिए अभी मैंने ये सीन को सेटअप कर लिया है. Now, if we see in our Arnold, you all can see my screen, right? मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है, करेक्ट. सो देखिए मैं अभी इसको रेंडर करूंगा 50% में, 50% में ये लाइट मेरी आ गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाइट के अंदर एक्सपोजर कम है, तो मैं एक्सपोजर को बढ़ा देता हूँ. ओके. सो मेरा जो ये पर्सपेक्टिव शेप अभी आ जाएगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है. अच्छा दूसरी बात ये है कि फोटोमेट्रिक लाइट है तो इसमें IES लाइट को कॉल करना पड़ेगा. सो सी इवन इफ आई इंक्रीज द एक्सपोजर या इंटेंसिटी नथिंग विल कम बिकॉज आई नीड टू एड एन IES लाइट इन टू दिस फोटोमेट्रिक लाइट. तो मैं लाइट के एट्रीब्यूट में जाके आई एम टेकिंग वन ऑफ द IES फाइल्स, 16 ले रहा हूँ फिलहाल. ओके तो देखिए 16 लाने से क्या हो गया कि मेरी लाइट पहुंच रही है बेस पे. ये मेरा जो बेस है यहाँ पे लाइट पहुंच रही है, बट दिस लाइट डज नॉट हैव एनी डेंसिटी, करेक्ट. तो इसको डेंसिटी कहाँ से देनी है,
डेंसिटी देनी है आपको, रेंडर सेटअप में जाना है, रेंडर सेटिंग में, रेंडर सेटिंग में गो टू आर्नोल्ड रेंडरर, ये जो टैब है आर्नोल्ड रेंडरर नाम का, उसमें एनवायरमेंट टैब, एनवायरमेंट टैब में एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में क्रिएट एआई एटमोस्फियर वॉल्यूम, ठीक है, यस। ये सौरभ को ये चीज सीन को वापस से देख लेना था कि कैसे ये प्रोसेस था, इसका क्या प्रोसेस था, मैं इसमें ब्रीफली इस चीज को बता रहा हूँ, ठीक है। इन 5 मिनट्स आई एम जस्ट शोइंग इट एंड देन आई विल बी टेकिंग अप अ न्यू सीन व्हिच इज फार बेटर, स्कोप ज्यादा है उसमें लाइटिंग का। तो देखिए इसमें डेंसिटी डाल दी एआई एटमॉस्फेयर वॉल्यूम, बट डेंसिटी है 0.000, तो इसको मैं कर लेता हूँ 0.0025, बहुत ज्यादा हो गया, 0.005, यस दिस इज लुकिंग नाइस, और थोड़ा कम करते हैं 0.01, या दिस इज लुकिंग फार बेटर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि होलोग्राम ऐसा नहीं होता, होलोग्राम कभी भी ओपेक नहीं होता, राइट। आपने आयरन मैन का ये देखा होगा मूवी, यस आईएएस गाइड, मैं एक काम करता हूँ, ये जो आईएएस है ना, आपको देखिए इजीली आपको नेट से मिल जाएगा, अगर आप गूगल पे फाइंड करोगे आईएएस फाइल्स करके तो आपको हजारों, हाँ बोलिए बोलिए, यस 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 इफ यस यस, सो आप अंदर अंदर शेयर कर लीजिए तो क्या है कि मेरा उतना टाइम बचेगा। तो ये फाइल आपको वैसे भी गूगल पे मिल जाती है आराम से, अगर मेरी लिंक नहीं मिलती तो गूगल पे आप लिखेंगे आईएएस फाइल तो आपको फ्री में हजारों जितनी पैटर्न्स मिल जाएगी, ठीक है ना। और मैं, हाँ, और मैं ये गाइड इसलिए यूज करता हूँ, दिस फोल्डर इफ यू से आईएएस गाइड करके, बिकॉज उसके अंदर है ना ऐसे जेपेग लगाए हुए हैं, यानी उसके प्रीव्यू लगाए हुए, तो उससे मेरा काम काफी ईजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे आईएएस गाइड, तो इसका एक जेपेग है, सो दिस इज शोइंग मी द होल टेम्पलेट कि जिस तरह से नंबर वाइज इसका फॉल ऑफ कैसा है। तो ये वाला जो आईएएस गाइड का एक नाम का जो फोल्डर है ना, अगर वो मिल जाता है वो बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा, ओके। सो देखिए ऑल दीज आर द आईएएस फाइल्स, तो मैंने फिलहाल ले लिया है ये वाला जो भी आईएएस फाइल है। अभी क्या करना है, लाइटिंग तो हो गई लेकिन शेडिंग की तकलीफ है, राइट, यस। सो ये जो है अपना वो आपको सागर दे देंगे, सौरभ मुझे वो लिंक थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी, तो सागर से आप जरा ले लीजिएगा, ओके, यस श्योर। सो देखिए इल्यूमिनेशन आ गया है, इल्यूमिनेशन आ गया लेकिन शेडिंग नहीं हुई, राइट ना, शेडिंग नहीं हुई मतलब यहाँ पे कुछ शेड नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है कि इसके ऊपर अगर मैंने एआई स्टैंडर्ड सरफेस दे दिया, सपोज मैंने इसको, देखिए मैं इसको थोड़ा प्रीव्यू कम कर देता हूँ एंटायलिसिंग ताकि थोड़ा फास्ट हो जाए। दूसरा इसको मैं एआई स्टैंडर्ड सरफेस देता हूँ, शेडर एआई स्टैंडर्ड सरफेस, तो भी कुछ नहीं होगा बिकॉज दिस स्कल्पचर इज काइंड ऑफ यू कैन से इट इज ओपेक, ये एआई स्टैंडर्ड सरफेस इट इज एन ओपेक शेडर, इसमें कुछ दिखेगा नहीं। अगर मैं इसको ग्लास का करता हूँ, देखिए ग्लास का अगर कर दिया तो भी कैसा आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं ग्लास का कलर यहाँ पे देखिए, एक मतलब मेजर चीज है जो सारे स्टूडेंट्स को, यस टर्न ऑफ ओपेक ऑप्शंस, वो भी सही है। और दूसरी एक बात सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ कि आर्नोल्ड में डिफरेंस क्या है विथ रिगार्ड्स टू टर्म, ओके, जो टर्म है, टर्म का मतलब कि जो चीज रिफ्लेक्शन, जो कि ओवरऑल सब लोग यूज करते हैं, तो रिफ्लेक्शन का आर्नोल्ड के अंदर मीनिंग है स्पेक्यूलर, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का आर्नोल्ड के अंदर मतलब होता है स्पेक्यूलर, और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब कि जो ट्रांसपेरेंसी, जिसमें आप ऐसा कांच देखते हो तो कांच के थ्रू आप जब देखते हैं तो आपको वो चीजें डिस्टॉर्टेड लगती है, तो रिफ्रैक्शन जो होता है उसका यहाँ पे मीनिंग है ट्रांसमिशन, ओके, तो रिफ्लेक्शन को कहते हैं स्पेक्यूलर, और रिफ्लेक्शन को स्पेक्युलर और रिफ्रैक्शन को ट्रांसमिशन। तो जब भी आपको कांच के रिलेटेड कुछ देखना होता है ट्रांसपेरेंट कांच के लिए, तो आपको ट्रांसमिशन के अंदर चेंजेस करना है, और आपको रिफ्लेक्शन जो कि प्रोजेक्शन होता है जो एनवायरमेंट को कैच करता है अपने सरफेस के ऊपर, तो उसके लिए आपको जाना है स्पेक्युलर में, ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए स्पेक्युलर, और यस हाँ हाँ यस आईओआर यस इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन तो ट्रांसमिशन भी रहेगा, दोनों भी रहेगा,
दोनों भी रहेगा, दोनों भी, वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों को काउंट करता है। यानी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अभी देखिए ये कांच का हो गया फिलहाल। अभी इसके पीछे मैं अगर स्फीयर डालता हूँ, सपोज इफ आई एम पुटिंग वन स्फीयर बिहाइंड इट, IOR दोनों में काम करेगा। और ये एक ट्रिकी चीज है, यानी ये क्या है ना कि आप जब वीरे से आर्नोन में जाते हो तो ये सब चीजें थोड़ी अलग सी अजीब सी हो जाती है। अभी देखिए ये मैं पीछे जो स्फीयर है ना, ये अपना स्कल्पचर यहाँ पे है, स्फीयर यहाँ पे है, स्फीयर का थोड़ा कलर ब्राइट कर देता हूँ, असाइन न्यू मटेरियल शेडर या स्टैंडर्ड सरफेस, उसको कर देता हूँ इनकैंडेसेंट बल्ब। तो देखिए ये है आपका ये, अभी देखिए, और इसको मैं इसको ओपेक ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। सो नाउ अगर इसका मैं IOR चेंज करता हूँ ना, देखिए मतलब ये एक्चुअली है यहाँ पे, एक्चुअली ये मूर्ति है यहाँ पे, लेकिन वो थ्रू एंड थ्रू हो गया, इसने इस ऑब्जेक्ट को जरा भी रिफ्रेक्टिव नहीं बनाया। मतलब आपकी ये मिस्टर इंडिया हो गया। मिस्टर इंडिया में क्या कंसेप्ट था कि आपके जो लाइट रेज है वो सब ऑब्जेक्ट को हिट करेंगे और उसमें से बिना डिस्टॉर्ट या बिना उसको बाउंस बैक किए हुए पीछे चले जाएंगे, ये मिस्टर इंडिया हो गया। अगर ये IOR 1 है तो इसमें रिफ्लेक्शन के अंदर ही ये चीज दे दी है, यानी ये चीज जो आपने पूछी है वो काफी वैलिड है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसमिशन के अंदर अलग से IOR नहीं दिया हुआ है, करेक्ट है, यानी एक ही IOR दोनों जगह पे चल रहा है। और हाँ दूसरी बात, अच्छा हुआ आपने शेडिंग का भी बता दिया, मैं शेडिंग का भी थोड़ा बहुत कवर कर लेता हूँ, कुछ कुछ ऑप्शंस, करेक्ट, जिससे आपको इजी हो जाए। यस देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी IOR 1.00 है तो थ्रू एंड थ्रू हो गया, अगर 1.1 करता हूँ तो देखिए ये अभी मूर्ति थोड़ी कांच की हो गई, यानी रिफ्रैक्शन होने लगा। तो मजे की बात यह है कि भले ये स्पेक्युलर पैरामीटर्स में है, लेकिन ये दोनों चीजों को कंसिडर कर रहा है, एक तो ये रिफ्लेक्शन को भी देख रहा है और रिफ्रैक्शन को भी देख रहा है, ठीक है। सो दिस वे इट इज डिफरिंग, ओके। ये देखिए अभी इसको बढ़ाता हूँ 1.25, तो उसका रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है, बराबर, जनरली होता है 1.52, ये उसका डिफॉल्ट अमाउंट होती है, बराबर। तो इस तरह से आपका IOR ट्रांसमिशन में भी चलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको R&D करनी पड़ेगी, छोटी मोटी, डजेंट मैटर। लेकिन देखिए मैंने इसको कांच बना दिया है ना, तो कांच बनाने के बाद अगर मैं इसको ट्रांसमिशन के अंदर, इसका मुझे इसका जो मूर्ति का जो कलर है, स्कल्पचर का कलर है, मुझे थोड़ा चेंज करना है। तो सपोज मैंने इसका कलर ब्लू किया, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए ये थोड़ा जेड जैसा लग रहा है, यानी वी आर नॉट गेटिंग दैट, यू नो, जो एजेस हम लोग को जैसे चाहिए थी लास्ट टाइम, जो फॉल ऑफ के ऊपर जो हम लोग को एजेस मिलती है, वो वाली एजेस नहीं मिल रही है, वी आर नॉट गेटिंग देम। तो उसमें क्या हो रहा है, अभी हमें थोड़ा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा अपने कंसेप्ट में, दैट वी वॉन्ट द लाइट्स टू बी ऑन द एजेस, राइट, विच आर सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, विच आर नॉट डिपेंडेंट। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ नहीं गुंडा, बोलो बोलो। हाँ अच्छा, बुधवार परमेश्वर, हाँ, बेफोटा बराबर, सही जैसे बराबर, 2500 रुपये, ओके ओके, हाँ, वो तो मैं एक्चुअली मैडम जब लेक्चर चल रहे थे बे वगैरह छोड़ी, तो लेक्चर पची बे वगैरह पची आप ही जब चलते थे जैसे, हाँ हाँ पाकू पाकू पाकू, हाँ पाकू पाकू पाकू, नो प्रॉब्लम। तुमने, हाँ तुमने पैन कार्ड नहीं दे रहा हो, आधार कार्ड नहीं दे रहा हो, सारे बे फोटा, तुमने 1.5 हज़ार रुपया तुमने घर आप दिया जी, सही जैसे, सही जैसे, सही जैसे, हमने कर दिया, थैंक यू, थैंक यू। यस सो या सो आई वाज सेइंग कि हमें वो फीचर्स को इनेबल करना है, या तो फीचर्स पर अचीव करना है, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक अ शेडर, या तो शेडर तो ऑलरेडी AI स्टैंडर्ड सरफेस शेडर है ही अपने पास, तो हमें ये करना है दैट वी वांट टू क्रिएट अ फॉल ऑफ इफेक्ट। तो फॉल ऑफ इफेक्ट कैसे आएगा,
what we need to do is we need to take a utility node, a utility node लेना पड़ेगा जो कि हमें वो help करेगा, assist करेगा उस चीज करने में. तो मान लो कि हम लोग देते हैं ये जो shader है इसको graph material on selected objects, यानी और देखिए किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि उसके ये सब विंडोज नहीं आ रहे थे, करेक्ट. वन ऑफ द स्टूडेंट से बात की उनके सब विंडोज नहीं आ रहे थे. आपको ये विंडोज के अंदर ये सारे जो अलग अलग यहाँ पे जो पैनल्स हैं ये सारे मिल जाते हैं. तो सी इफ यू गो टू विंडो तो ब्राउजर सिलेक्ट करेंगे तो ये ब्राउजर है एक्चुअली, दिस इज अ ब्राउजर, ये ब्राउजर है, ये क्रिएट पैनल है, फिर ये है, फिर यहाँ पे ये वाला भी कोई तो पैनल है, आई डोंट नो व्हिच पैनल इज दिस, लेकिन यहाँ से आपको विंडोज में से सारा कुछ मिल जाएगा. ओके, so this is how your, you know, in case you have lost out on all these things, so you can retrieve it from this window panel. yahan se aap karoge to aa jayega, theek hai. abhi main karta hu ai utility node, yani utility mein jaise maine last time aapko kaha tha vray mein hota hai ya to 3d max mein hota hai follows, maya software mein hota hai a sampler info aur arnold mein hota hai ai facing ratio. okay, aur dusri baat ye hai के जो लेटेस्ट माया है माया 2019 उसमें शीन नाम का एक ऑप्शन है, शीन. ओके, शीन नाम का एक ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आपकी वो फॉलो अप वाली इफेक्ट को उन्होंने प्रीसेट दे दिया हुआ है. ओके, तो इट हैज बिकम मच मोर इजीयर नाउ, लेकिन हम लोग थोड़ा मैन्युअली जाते हैं पहले. सो एआई फेसिंग रेशियो इज फॉर आर्नोल्ड, 3D मैक्स में फॉलो ऑफ, और माया सॉफ्टवेयर जो कि डिफॉल्ट स्कैनलाइन रेंडर है उसके अंदर उसको बोलते हैं सैम्पलर इन्फो. तो पहली को ये दोनों चीज को भूल जाते हैं, आते हैं एआई फेसिंग रेशियो पे. AI facing ratio को यहाँ पे मैं लोड कर लेता हूँ. AI facing ratio ठीक है. उसके बाद AI facing ratio को हम लोग कनेक्ट करेंगे एक ग्रेडियंट के अंदर. ओके, एक रैम्प के अंदर. रैम्प आपको मिल जाएगा माया के अंदर, यहाँ पे 2D textures में you will get a ramp. ओके, आपको क्या करना है कि आपका जो AI facing ratio का जो out value है वो आपको डाल देना है इसके U और V के अंदर. ठीक है, U और V के अंदर इसका आउट वैल्यू है वो इसमें डाल देना है. और उसके बाद जो हमें सेल्फ इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट चाहिए, अभी सेल्फ इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब आपको आप उसके एमिशन के अंदर थोड़ा छेड़छाड़ करोगे. तो मैं क्या करूँगा कि इसका जो एमिशन का कलर है, जो अपने AI स्टैंडर्ड सरफेस का ये जो एमिशन का कलर है उसके अंदर मैं उसका आउट कलर डाल दूंगा, रैम्प वाला. ठीक है, तो मैंने क्या किया, AI फेसिंग रेशियो का जो आउट वैल्यू है उसको U और V कोऑर्डिनेट में डाल दिया, और रैम्प का जो आउट कलर है उसको मैंने इसके एमिजन के कलर में डाल दिया. तो बेसिकली आपका जो रैम्प का कलर है वही ये एमिजन का कलर हो जाएगा. ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे देखूंगा इफ आई सी के भाई मैं यहाँ पे, और अभी फिलहाल आपको यहाँ पे कुछ असर नहीं दिखेगा क्योंकि इसका जो एमिजन का जो वैल्यू है यानी उसका जो इल्यूमिनेशन का वैल्यू है वो फिलहाल जीरो है. ये देखिए कलर में तो कनेक्शन हो गया है, कलर का कनेक्शन हो गया है, लेकिन वेट जीरो है. तो अगर मैं वेट को बढ़ाता हूँ 1, तो देखिए ऐसा आ गया, करेक्ट. वो ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो रैम का जो कलर है यहाँ पे ये ब्लैक एंड व्हाइट है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ. यानी कि आई वॉन्ट द व्हाइट द ब्लैक टू बी इन द मिडल एंड व्हाइट ऑन द एजेस, बराबर ना, क्योंकि उसके एजेस के ऊपर अपने को व्हाइट कलर चाहिए. तो मैं उल्टा कर लूंगा यहाँ पे, ये देखिए तो ये हो गया आपका राइट. लेकिन चीज ये है कि करेंटली इट इज ओपेक. ओपेक इसलिए है क्योंकि हमने इसके ओपेसिटी यानी इसके अंदर जो हम लोग वो लीफ का बनाते हैं ना, जो लीफ होता है, लीफ के ऊपर क्या होता है कि आपका जो डिफ्यूज है बीच का, जो लीफ के जो कटआउट होते हैं वो व्हाइट रहेगा और बाकी का जो अल्फा है वो ब्लैक हो जाएगा. तो मुझे इसके रैम्प को इसके ओपेसिटी में भी डालना पड़ेगा. तो ओपेसिटी में क्या होगा कि जो बीच का पार्ट है वो ब्लैक हो जाएगा, जो फेसिंग पार्ट है, और जो जो पार्ट जो कि टर्न अवे हो रहा है, अपने कैमरे से पीछे जा रहा है या तो कर्व ले रहा है, वो पार्ट वो ओपेक रहेगा. तो आप देखें यहाँ पे आपको दिख सकता है जो भी पार्ट कर्वेचर वाला है वहां पे ओपेकनेस आ गया है, और जो पार्ट फेसिंग है कैमरे को वो ट्रांसपेरेंट हो गया है. ठीक है, तो अभी जो एमिजन का कलर है, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इट फ्रॉम माई एमिजन कलर का पैरामीटर, अभी मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है. देखिए ये जो करता हूँ ना, ये जो कर रहा हूँ यहाँ पे कलर सिलेक्ट ही नहीं होगा,
क्योंकि मेरा जो कलर है वो एक्चुअली रैंप का कलर हो गया, तो अगर मैं इस रैंप के कलर को यहाँ पे टील या तो ग्रीन करता हूँ, तो मेरा पूरा जो ये स्कल्पचर है ये ग्रीन हो गया, बराबर। तो मुझे ट्रांसपेरेंसी भी मिल गई और कलर भी आ गया, ठीक है। अभी मेरा जो डेंसिटी है, जो अपना लाइट का कलर है, उस लाइट के कलर को भी थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। लाइट के कलर को भी सपोज इफ आई एम मेकिंग इट ग्रीनिश, ठीक है, तो ये आ गया अपना। So are we clear with this? कोई खास डाउट है किसी को? Now are we clear with this? यानी कि आपको और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ AI फेसिंग रेशियो जो है उसको यूटिलाइज करना है अपने इस इफेक्ट के लिए। अभी ये क्या होता है ना कि आपका जब यू नो व्हेन यू सी दीज जो अवतार मूवी देखेंगे, या फिर आप कोई भी ऐसा हाईटेक कोई आर्किटेक्चर का कोई ऐसा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट देखेंगे और ऐसा एक टेबल के ऊपर से ऐसा पॉप आउट होता है, यू नो दे आर जस्ट शोइंग एज इफ ये पूरी विजुअलाइजेशन दिखाते हैं, कैसे पूरा रोटेट करेंगे घुमाएंगे, तो आप सोचिए कि अगर आपने ऐसी इफेक्ट बना दी तो कोई भी इंप्रेस हो जाएगा, कहेगा कि ये पूरा मुंबई का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जिसके अंदर इतने सारे बिल्डिंग ये एरिया में क्रिएट हो जाएंगे। तो आप उसमें ऐसा इफेक्ट दोगे ना, तो इट विल लुक रियली यू नो इट विल लुक रियली नाइस, फ्यूचरिस्टिक लगेगा, कि आपकी फ्यूचर की सिटी ऐसी बनेगी। आपको सिर्फ इस शेडर को यूज करना है एंड एवरीथिंग एल्स विल बी यू नो विल बी मैनेजेबल, ठीक है। तो अभी वैसे भी क्या है कि ये चीज तो रिकॉर्ड हो ही रही है एक्चुअली लास्ट टाइम, बिकॉज माई हार्ड डिस्क गॉट फुल आई कुड नॉट सेव दैट रिकॉर्डिंग। तो अभी ये फिर से कर रहा हूँ, तो फिर से आप इसको ध्यान से देख के जरा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो ये सीन मैं सेव एस कर लेता हूँ होलोग्राम करके, ठीक है। सो नाउ आई विल से नो प्रॉब्लम। तो ऐसे कोई भी डाउट होंगे आप, मैंने जैसे कहा कि बिट्स एंड पीसेस में आप सॉल्व करते रहो, यानी कोई भी छोटा मोटा डाउट हो आप पूछोगे तो क्लियर हो जाएगा, वरना फिर वो यू नो उसको अंडर द कारपेट अगर खिसका देंगे तो बहुत सालों के बाद आपको याद आएगा, अरे बाप रे उस टाइम पे पूछ लिया होता तो अच्छा होता। नाउ कमिंग टू न्यू सीन, नाउ आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव डन दिस सीन, आई एम नॉट श्योर हमने ये सीन नहीं किया होगा। यस इसका मतलब कोई भी किस्म कोई भी ऑब्जेक्ट हाँ जी होलोग्राम कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। आप गाड़ी गाड़ी को कर सकते हो, आप बिल्डिंग्स को कर सकते हो, आप स्कल्पचर को कर सकते हो। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है, आप उसके ऊपर कोई भी शेडर लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। यस सर, सर मेरा डाउट था वो लास्ट में लेक्चर के बाद ही छोटा तो न्यू रेंडर सेटअप लिया था उसका ही कुछ रिलेटेड डाउट है। चलेगा ठीक है, आप मुझे रिमाइंड कर देना। हाँ आप रिमाइंड कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए अभी ये होने वाला है कि मेरे जैसे पहले भी कहा कि ऐसी कोई खास कोई यू नो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड चीज नहीं आने वाली आपके सामने जिसको देख के आप एकदम चौंक जाएंगे कि अरे बाप रे तो पहली बार देखा। अभी आप चाहे अनरियल ले लो, चाहे आप आर्नोल्ड ले लो, चाहे आप वीरे ले लो, आपको हर चीज रिपीट होती हुई दिखेगी। सबसे बड़ी यहाँ पे जो आपको आजकल जो सीखना पड़ रहा है दैट इज इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन, यानी अभी क्या हो गया है कि बिकॉज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर थोड़े ज्यादा एनहांस हो गए हैं, तो आपको हर एक जगह पे इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन का थोड़ा सिग्निफिकेंस है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बैक इन द डे वो एक ऐसी चीज होती थी जो कि ऑप्शनल थी, ठीक है ना। पहले ऐसा होता था कि दैट थिंग वाज ऑप्शनल, वी कुड यूज इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन और वी कुड नॉट यूज इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन, और मैं तो कहूंगा 75% हम लोग नहीं यूज करते थे क्योंकि इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन वाज हाईली अनटेनेबल, वो प्रैक्टिकल नहीं था क्योंकि इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन में टाइम बहुत लगता था और वो प्रोडक्शन फ्रेंडली नहीं था। लेकिन अभी ये हो गया है कि अभी आपकी जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इतना कैपेबल हो गया है दैट नाउ डेज पीपल आर फ्रीली यूजिंग इट, उसमें अभी कोई इश्यू है ही नहीं, बराबर। अभी हर यानी कोई भी बंदा या तो कोई भी एडवर्टीजमेंट में आप देखोगे कि रियलिज्म बहुत इजीली दिख रहा है, और उसका रीजन ये है कि सॉफ्टवेयर बिकम वेरी एडवांस्ड एंड दैट इज व्हाई इट इज अलाउिंग अस
टू यू नो टू टू यूटिलाइज इट फॉर प्रोडक्शन पर्पजेस. ठीक है, सो हैव यू ऑल सीन दिस सीन और वी हैव नॉट? हम लोगों ने इस सीन को देखा है. नहीं देखा है, ओके. सो देखिए, मैं इसमें भी आपको क्या करने वाला हूँ, मैं देखिए पहले ही दिन से आपको ये कह रहा हूँ कि आपको हमेशा क्या करना है कि किसी भी सीन को अपॉर्चुनिटी लेना है. नाउ आई एम नॉट एबल टू फाइंड दिस टेक्सचर फॉर सम रीजन. ये जो वॉल का टेक्सचर है, देख वॉल का टेक्सचर को ले लेता हूँ, जेनेरिक वाला. देखिए ये सब यूवी अनरैप्ड चीजें हैं. ओके, सो सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस, एक्चुअली दिस इज नॉट नाइस आई वुड से. चलो ठीक है, ये सीमेंट का ऐसा चल जाएगा, आई थिंक दिस विल वर्क. ओके, तो देखिए छोटा सा सीन है, बराबर है, छोटा सा सीन है. इसके अंदर ये यहाँ पे एक एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर शेडर नहीं है, तो इसको शेडर अप्लाई कर लेता हूँ. AI स्टैंडर्ड सरफेस, देखिए इसके ऊपर भी मैं ये जो टेक्सचर है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ. करंटली क्या है, करंटली इसके ऊपर अप्लाइड है लैम्बर्ट. अरे ये फिर से माया बंद हो गया, क्या प्रॉब्लम है? माया इज कॉजिंग सम प्रॉब्लम. आई थिंक देयर आर टू मेनी थिंग्स रनिंग रनिंग ओवर हियर, तो मैं कुछ चीजों को बंद कर लेता हूँ. ओके, तो एक काम करता हूं, मैं जो ये जो टेक्सचर जो व्यूपोर्ट में दिख रहा है ना, उसको मैं यूज नहीं करूंगा. आई विल नॉट बी यूजिंग इट. या तो फिर ये जो सीन है, ये जो सीन है ये कहाँ पे है, ये बहुत लंबा फाइल है इसका. काम करता हूँ, इसको कहीं और ले लेता हूँ. आई थिंक दिस फोल्डर स्ट्रक्चर ऑल्सो समटाइम्स. Okay, so everyone can see the screen, right? Everyone can see the screen. So yes, वो disconnect हो गया था बीच में. Yeah. Okay. या तो फिर देखिए आपका जब भी ऐसा क्रैश होता रहेगा ना, बोलिए बोलिए. वॉइस क्या आ रही है? प्रॉपर आ रही है. आपकी प्रॉपर आ रही है? प्रॉपर आ रही है. यस यस, आपका मुझे आवाज बराबर आ रहा है. कल ही माया प्रिंटिंग डाउनलोड किया था, ये जो क्रैश होता है ना. हाँ हाँ माया. हाँ हाँ, लेकिन 19 का फाइल 17 में नहीं जा पाएगा. ओके, तो वो एक इशू आ सकता है. हाँ, पहले से बना हुआ है. हाँ बराबर, ये सीन पहले से बना हुआ है. बराबर है, यस. तो ये सीन पहले से बना हुआ है, मतलब वो भी 2019 में बना है? नहीं, ये तो बहुत पुराना है एक्चुअली. ये मेरे ख्याल से कम मेरे पास 5-10 साल से ये सीन पड़ा हुआ है. तो इसमें तो मैं कहूंगा कि ये किसी भी वर्जन में चल सकता है अभी, क्योंकि
ये इतना पुराना सीन है कि हर माया आने वाले मतलब माया 13 ऑनवर्ड सभी में चलेगा ये जो सीन है ये, तो इश्यू नहीं आएगा उसमें। या और वो कैंडल वाला सीन सर, कैंडल वो वाला भी सीन, वो भी वो सारे आप जितने भी मैं सीन, कैंडल हाँ जितने भी सीन लूंगा ना वो सारे आपके किसी भी माया में चलेंगे, ऐसा है। या तो लेकिन अगर आपने ओके माया 19 में सेव कर दिया ना, आपने अगर अपने पास लेके उसको माया 19 में सेव कर लिया तो फिर तकलीफ हो जाएगा, फिर आप पीछे नहीं आ पाओगे। बराबर के नहीं? नहीं सर, पहले मैं ओपन 2017 में सेव कर लूंगा, बराबर। हाँ 19 में लेके जा सकते हैं ना, अगर हाँ रिक्वायर्ड हाँ तो नहीं है हाँ तो हाँ चलेगा पासवर्ड भी चलेगा। सेम है ना। यस यस दैट विल नॉट बी एन इश्यू, दैट विल नॉट बी एन इश्यू। ओके सो देखिए अभी मैं ये करने वाला हूँ कि देखिए मैं अभी इसको बंद कर लेता हूँ, क्या कहते हैं इसको, टेक्सचर का जो व्यूपोर्ट में दिखता है, तो टेक्सचर को बंद कर लेता हूँ ताकि हो सकता है उस वजह से भी क्रैश हो रहा हो। और अगर फिर भी नहीं होता, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मैं ये करता हूँ कि इसको सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इन सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई विल गो टू फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शन, और इसको मैं एक नए सीन फाइल में सेव कर लेता हूँ एक्सपोर्टेड करके। ओके इन सबको कैमरे के साथ में मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, फिर नया सीन ओपन किया और नए सीन में जाके मैंने इनको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अभी इसे क्या होता है कि आपके जो अननेसेसरी नोड्स होते हैं समटाइम्स, यू नो व्हेन यू आर क्रिएटिंग द मॉडल और समथिंग, तो बहुत सारे नोड्स जनरेट हो जाते हैं जो कि अननेसेसरी है। तो इस वजह से क्या है कि एक्सपोर्ट सिलेक्शन करने से वो थोड़ा आपका ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाता है, ठीक है। सो दैट इज वाई वी एक्सपोर्ट द सीन एंड देन री इम्पोर्टेड इन सम अदर व्हाट यू से। और देखिए यहाँ पे ये वॉल का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, वॉल कलर्स क्या प्रॉब्लम है भाई, ये क्या है, टेक्सचर यूवी टाइलिंग जनरेट प्रीव्यू नॉट फाउंड। ओके इसको रेंडर करके देख लेते हैं, डिफॉल्ट लाइन में, डिफॉल्ट लाइट में अगर आ जाता है तो मतलब कि व्यूपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। ओके तो मान लो इसको मैं माया सॉफ्टवेयर में रेंडर करता हूँ, या सो टेक्सचर इज विजिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इतना है कि व्यूपोर्ट में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ इसके लाइटिंग के साथ। अभी देखिए सब कभी कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर इसको मतलब यू नो आई हैव क्रिएटेड अ सीन बट आई एम फेसिंग प्रॉब्लम व्हाइल लाइटिंग इट। तो आपको सबसे पहले ये देखना है दैट व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस सीन। स्कोप का मतलब कि आप अगर डे में कर रहे हो तो डे में कैसा आप अच्छे से अच्छा इसको शोकेस कर पाओगे, अगर इवनिंग है तो इवनिंग को कैसे करोगे, और नाइट है तो नाइट में आपके पास कौन से सोर्सेस है जहां से आप इसको इल्यूमिनेट कर सकते हैं, करेक्ट है। तभी मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा डे से। तो डे में जैसे हम सबको पता है दैट फॉर अ डे सीन डायरेक्शन लाइट इज दी मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी हो सकता है कि ये सीन बहुत बड़ा हो और आपका कैमरा ऐसे जूम इन कर रहा हो, करेक्ट, तो आपको पूरे एरिया को कवर करने के लिए डायरेक्शन लाइट इज दी मोस्ट अप्रोप्रिएट लाइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको पहले तो सेव एस कर लेता हूँ ताकि वो फिर से क्रैश होने का अगर कोई चांसेस हो तो वो थोड़ा हट जाए। ये कर लिया, इसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू द आर्नोल्ड रेंडर व्यू, और इसको मैं इस बार थोड़ा टेम्पलेट को आई विल बी एडजस्टिंग इट प्रॉपरली, यू सी आई विल बी कीपिंग इट लाइक दिस, ऐसा ही कर लेते हैं बेस्ट है। तो जो भी यहाँ पे चेंजेस करेंगे ना वो ऊपर दिखता रहेगा, यानी यू नो वी ऑलवेज कीप ऑन वो विंडो यहाँ वहाँ घूमते रहता है, तो दिस टाइम आई विल ट्राई टू डू इट इन सम ऑर्गेनाइज वे। तो अभी देखिए मैं इसमें कैमरे को एक बार रेंडर कर लेता हूँ, दिस इज द कैमरा, आई विल रेंडर इट, ये माया सॉफ्टवेयर का रेंडर है, और यहाँ पे इसके अंदर अभी इसको इस आर्नोल्ड व्यू को बंद कर देते हैं, दूसरा आर्नोल्ड रेंडर भी ओपन करते हैं जिसमें ये वाला कैमरा लेके रेंडर कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें वही रेंडर हो, अल्फा देख लेते हैं। अच्छा ये गलत कैमरा है, फिर तो से एक बार करते हैं रेंडर एक्सटीरियर डे पर्सपेक्टिव वन, इसमें अभी अभी देखते हैं, आर्नोल्ड रेंडर व्यू चालू कर दिया, प्ले कर दिया, अभी भी नहीं आ रहा है। सी दिस इज वन ऑफ द ग्लिचेस दैट आर्नोल्ड हैज, आर्नोल्ड रेंडर ओके इसके अंदर सिलेक्ट कर लेते हैं,
नाउ लेट अस ट्राई. ओके अभी आ गया. सो नाउ वी आर इन द प्रॉपर कैमरा. ठीक है तो अभी देखिए मैं शुरुआत करूंगा अपने डायरेक्शन लाइट से. तो डायरेक्शन लाइट जैसे ही मैं डालूंगा रेंडरिंग में डायरेक्शन लाइट. तो देखिए मेरा यहाँ पे इल्यूमिनेशन तो शुरू हो गया है. नाउ आई विल बी कीपिंग इट लाइक दिस. ऊपर थोड़ा टैब में इसको लगा देता हूँ ताकि बीच बीच में आए नहीं. और देखिए अभी ये क्या हो रहा है ना, एंटी अलियासिंग का जो इश्यू है, यानी कि ये देखिए यहाँ पे रिफाइन होते रहेगा तो बेटर है अगर मैं कैमरे का जो एंटी अलियासिंग है आर्नोल्ड, इसका कैमरे का एंटी अलियासिंग 0. तो अभी मेरा यहाँ पे जो प्रीव्यू है ना वो जल्दी से होगा. तो यहाँ पे मैं अभी डायरेक्शन लाइट को एडजस्ट करता हूँ. और देखिए डायरेक्शन लाइट का सबसे पहले हमने सीखा था कि डायरेक्शन लाइट का स्केलिंग और मूवमेंट फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ रोटेशन ही चेंज करना पड़ेगा. ये देखिए रोटेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर चेंजेस हो रहा है. ठीक है सिर्फ रोटेशन से ही फर्क पड़ेगा, आपके स्केलिंग या तो मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है और देखिए यहाँ पे हो ये रहा है कि व्हेन यू कीप इट इन द फ्रंट, आप इसको फ्रंट में जब रखेंगे ना तो आपका पूरा डिटेल चला जाएगा. ठीक है आपको यहाँ पे अगर मैं एकदम से ऐसा फ्रंट से कैमरा ये लाइट रखूंगा तो इट विल बी ईटिंग अप ऑल ऑफ माई डिटेल्स. आपको ऐसे नहीं रखना, फ्रंट में नहीं रखना, आपको हमेशा क्रॉस में रखना है ताकि आपके शेडोज जो है वो कास्ट हो प्रॉपरली और आपको 3D जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके डिटेल्स उभर के बाहर आए. ठीक है अभी देखिए जनरली दोपहर होती है तो आपका जो सन होता है वो इस तरह से होता है. करेक्ट नाउ दिस इज प्रोबेबली 11:30 या तो 12:30. 11:30 या 12:30 को इस तरह से सनलाइट आती है. करेक्ट अभी मैं थोड़ा सा इसका एक्सपोजर बढ़ाता हूँ 3. करेक्ट ये आपका सनलाइट हो गया. अभी देखिए आपको यहाँ पे शेडो के अंदर भी लाइट दिखेगी, आपको यहाँ पे शेडो के अंदर भी लाइट दिखेगी. आपको ये लग रहा है आफ्टरनून जैसा राइट अवे? करेक्ट बिकॉज द सन हैज बिकम वेरी हॉट एंड द शेडोज आर ऑल्सो यू नो अपियरिंग ऑन द राइट बिलो द सर्फेस. ठीक है अगर मैं यहाँ पे कोई स्फीयर रख लेता हूँ या 12 या 11:45, 12 o'clock जैसा अगर मैं यहाँ पे स्फीयर रखता हूँ तो देखिए स्फीयर का जो शेडो है वो राइट ऑन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिखेगा. ठीक है ये देखिए यहाँ पे मान लो ऐसा कोई कैरेक्टर ऐसा कोई घूम रहा है अपने सीन के अंदर समथिंग लाइक दिस. तो हो सक या तो कोई बंदा कोई एक्टिवा पे जा रहा है बराबर, कोई बंदा अपने स्कूटर लेके जा रहा है एंड यू नो ही इज अपियरिंग फ्रॉम दिस रोड ऐसे करके ऐसे जा रहा है. तो ये दोपहर को इस तरह से ठीक से रिलेट होगा. ठीक है मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ जस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार कि यहाँ पे कोई तो ऑब्जेक्ट रोड पे खड़ा हुआ है. ठीक है ऐसा कुछ हो गया. अभी देखिए आपको इसके शेडोज के अंदर भी इल्यूमिनेशन दिख रहा है, आपको इसके शेडोज में भी इल्यूमिनेशन दिख रहा है. ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल इसलिए है बिकॉज इन अवर आर्नोल्ड दे हैव गिवन अस द ऑप्शन ऑफ बाउंसेस, दैट इज ऑप्शन ऑफ द इनडायरेक्ट बाउंसेस इन विजिबिलिटी. राइट शेडोज के अंदर क्या हो रहा है कि आपकी जो लाइट्स रोड पे हिट हुई, आपकी जो लाइट रोड पे हिट हुई वो बाउंस होके इसके शेडोज में फिलअप हो गई. अगर मैं इसका इनडायरेक्ट 0 कर देता हूँ तो देखिए क्या होगा, पूरा ब्लैक हो गया. इट इज कंप्लीटली पिच ब्लैक नाउ बिकॉज देर आर नो इनडायरेक्ट बाउंसेस दैट इज हैपनिंग. सो बाय डिफॉल्ट आर्नोल्ड में ऑन होता है बट वी हैव टू स्विच इट ऑफ इन केस अगर हमें ऑफ करना है, बाकी बाय डिफॉल्ट ऑन ही होता है. ठीक है तो देखिए अगर 1 का 0 कर दिया तो पूरा ये ब्लैक ब्लैक आ गया यहाँ पे बिकॉज इट इज कास्टिंग अ शेडो. बट इफ आई इंक्रीज इट टू मोर देन 1 दैट इज अप टू 3 तो आप देखेंगे कि इसके अंदर देखिए कितना सारा बाउंसेस आ रहा है.
these bounces are not of a fill light, but actually they are the bounces of the key light that is falling onto this footpath and bouncing it back into the shadow. डायरेक्शनल लाइट का रोटेशन ही मैटर करता है. डायरेक्शनल लाइट का सिर्फ रोटेशन ही मैटर करेगा, मूवमेंट और स्केलिंग मैटर नहीं करेगा. उल्टा बोल रहे आप, आपने जो कहा ना उसका उल्टा होता है. हाँ बराबर है. Yes, yes, yes. ये देखे अभी ये जो ब्लू एरो है ना, ये जो ब्लू एरो दिख रहा है आपको, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू लाइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा ब्लू लाइन से तो आपका सिर्फ रोटेट होगा ये इस तरह से, ये अपने एक्सिस पे घूमेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा. आपको कैसे प्रॉब्लम, आपको जब मैटर कहाँ पे करेगा, या तो आप जब ये ग्रीन वाला लाइन को मूव करोगे, या तो आप जब ये ग्रीन वाला लाइन मूव करोगे, या तो आप रेड वाला लाइन मूव करोगे. आप समझ रहे हैं, ये जो येलो वाला लाइन है ये अभी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ उसको अपने एक्सिस पे घुमाएगा. ये देखे मैं अगर आप इसको आइसोलेट कर लेता हूँ फिलहाल, और इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ. देखिए इसमें क्या होगा कि जब ये ऐसे घूमेगा तो कुछ नहीं होगा. आप समझ रहे हैं, ऐसे घूमने से कुछ नहीं होगा. जब आप इसको इस तरह से घुमाएंगे या फिर इस तरह से घुमाएंगे, तभी जाके वो फर्क पड़ेगा. समझे, यू आर गेटिंग इट नाउ? हाँ, ये जो मतलब जो भी आपका जो एक्सिस है ना, अगर ये लोकल एक्सिस से ऐसे घूम रहा है पंखे की तरह, अगर पंखे की तरह घूमेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इस तरह से दिस विल नॉट मैटर, ओनली दिस रोटेशन एंड दिस रोटेशन विल हेल्प इट. समझ गए, ऐसे. यस सर, मतलब वो एक रोटेशन पे हुआ, एक्स के वाई ऐसा कुछ ही. यस यस, दैट्स व्हाट. ठीक है ना. सो नाउ इफ वी कम बैक टू आवर सीन, से देखे अपना ऑलमोस्ट डेलाइट हो गया है, यानी आफ्टरनून लाइट कह सकते हैं. अभी आप सोचिए कि मैंने सिर्फ एक ही लाइट से पूरा सीन अचीव कर लिया, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन लाइट से इतना सारा इल्यूमिनेशन. बट आइडियली ऐसी बात नहीं होती कि एक ही लाइट से सब कुछ इल्यूमिनेट हो जाए. अगर कोई नौसिखा बंदा होता तो वो कहता चलो मेरा काम हो गया, और वो अपना सीन छोड़ के चला जाता. बट बिकॉज यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स, यू ऑल आर टून स्कूल स्टूडेंट्स, तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा. मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि इसमें फिल लाइट भी डालो. ओके, विद सनलाइट देयर इज ऑलवेज अ फिल लाइट ऑल्सो, दैट इज अ स्काई लाइट. सनलाइट के साथ स्काई लाइट होना बहुत जरूरी है. तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप यूज करो एक आर्नोल्ड का डोम लाइट. ठीक है, अब यहाँ पे आपका सीन कंप्लीट हो गया, फिनिश आफ्टरनून. अगर मैं चाहूँ तो या तो इसमें कलर टेम्परेचर यूज करके आई कैन मेक इट अ लिटिल बिट स्काई ब्लू. देखिए पीछे का आपको ये वाइट कलर दिख रहा है, ये बैकग्राउंड. अभी इसमें ये है कि जो वाइट कलर है ना, ये तकलीफ कहाँ पे क्रिएट करेगा, अल्फा में. आप इसका कंसेप्ट समझिए कि फिलहाल क्या हो रहा है कि पीछे का जो डोम बन गया, ये अपने आपको फिजिकल ऑब्जेक्ट समझ रहा है, यानी इसने लिटरली अपने आपको एक ऑब्जेक्ट बना लिया, जिसकी वजह से अल्फा के अंदर भी अपने को ओपेक आ गया. यानी अगर आप इसको बैच रेंडर करके, सीक्वेंस रेंडर करके जब फोटोशॉप में लेके जाओगे, तो आपको यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इसने उस एरिया को फिलअप कर लिया है. सो इनकेस यू वॉन्ट टू रिमूव दिस मास्क, यानी आपको इस पार्ट को ट्रांसपेरेंट बनाना है, आपको डोम लाइट में जाके यू विल हैव टू मेक इट्स कैमरा विजिबिलिटी जीरो. ठीक है, सो अभी ये होगा कि आपका ये जो अल्फा, देखिए यहाँ पे अल्फा दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का. आई वॉन्ट एटलीस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट्स टू नो काइंड ऑफ टू हैव टू काइंड ऑफ यू नो टॉक विद मी, जिससे कि आप एक ट्रैक पे हो. मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने बिना अल्फा के रेंडर किया होता, बिना अल्फा मतलब ऐसा जिसमें पूरा ये आपका जो बैकग्राउंड है वो फिलअप हो गया है, तो अगर आप फोटोशॉप में ऐसा इमेज लेके जाते तो प्रॉब्लम ये होता है, ये जो व्हाइट कलर है ये फाइनल हो जाता, यानी इट कुड हैव अंडरस्टूड कि इसको फ्लैटन कर लेता. ओके, बट अगर आपने ऐसा सोचा है कि आप फोटोशॉप में जाके
ये जो व्हाइट कलर है, जो बैकग्राउंड का कलर है जिसके अंदर स्काई आ सकता है, क्लाउड आ सकते हैं, उस पार्ट को आपको अगर एम्प्टी देखना है, ट्रांसपेरेंट देखना है, तो आपको इस डोम लाइट के अंदर कैमरे की जो विजिबिलिटी है उसको जीरो कर देना है, ताकि होगा ये कि ये जो डोम लाइट है ये इल्यूमिनेशन कास्ट करेगी लेकिन पीछे अल्फा को ब्लॉक नहीं करेगी। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? इल्यूमिनेशन होगा लेकिन अल्फा के अंदर उसका ब्लैक हो जाएगी। हाँ, यानी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखिए, नाउ दिस ब्लैक एरिया व्हाट एवर यू आर सीइंग इज एक्चुअली अल्फा। तो आपको जब फोटोशॉप में इसको लेके जाओगे या फ्यूजन में लेके जाओगे तो ये पार्ट ट्रांसपेरेंट रहेगा, जिसके पीछे आप कोई भी इमेज दूसरे कोई डाल सकते हो। लेकिन अगर मैंने इसको कैमरा विजिबिलिटी 1 के साथ रखा होता तो ये पार्ट ऐसा ओपेक हो जाता, तो आपको वो पर्टिकुलर मास्क नहीं मिलता जहां पे आप दूसरा कोई इमेज डाल सकते। आपको हो सकता है फिर मैन्युअली इतने पार्ट को काटना पड़ता जो कि स्काई का पार्ट है। अंडरस्टूड? तो आप जब भी डोम लाइट यूज करो, उस टाइम पे ध्यान रखना कि जो कैमरे का विजिबिलिटी आप जीरो कर दो, ताकि उसमें से इल्यूमिनेशन निकले लेकिन वो आपके बैकग्राउंड को ढके नहीं, आपके बैकग्राउंड को विजिबल ना बना दे। क्योंकि एनीवेज आप क्या करने वाले हो, इल्यूमिनेशन करके इस सीन को रेंडर करके कंपोजिटिंग में लेके जाओगे और पीछे बैकग्राउंड रख के उसके ऊपर कोई दूसरा अच्छा इमेज लगाओगे, बराबर है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर आर वेरी फ्यू टाइम्स वेयर यू विल बी रेंडरिंग द स्काई अलोंग विद द बैकग्राउंड, यानी आपके बिल्डिंग के साथ में स्काई आप जल्दी से रेंडर नहीं करोगे, आप क्या उसको फोटोशॉप में पीछे से लगाओगे ना, इसलिए विजिबिलिटी को ऑफ रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो यू नो यू नीड टू बी केयरफुल। भले यहाँ पे फिलहाल ब्लैक दिख रहा है बट एटलीस्ट यू हैव गॉट द स्काईलाइट ओवर हियर, आपको यहाँ पे स्काईलाइट तो दिख रही है जो कि फिलहाल एकदम प्लेन व्हाइट है, और दोपहर को तो प्लेन व्हाइट ही होता है। अगर आप बाहर देखेंगे सो इट इज ऑलमोस्ट प्लेन व्हाइट, प्रोवाइडेड थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर डाल देते हैं, हल्का सा, बहुत ही ज्यादा एकदम ऑलमोस्ट ब्लूइश, यानी ऑलमोस्ट यू नो एकदम हिंट सा ही होगा ब्लू जैसा। ओके, बहुत ही कम लाइट ब्लू होगा ये। सो देखिए, आपको आफ्टरनून का सीन आ गया। आर वी थ्रू? ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद द आफ्टरनून पार्ट। तो चलो ठीक है, इसको हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं, यानी मेरा सनलाइट आ गया और स्काईलाइट आ गया। आफ्टरनून में और तो कुछ होता नहीं है लाइट के अंदर, बाकी तो मैं इसमें कुछ खास नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे किकर लाइट दे सकता हूँ एडिशनली, ठीक है? हो सकता है कि कोई लाइट यहाँ पे बाउंस होकर यहाँ पे किकर लाइट दिखाई दे, तो ये कह सकते हैं कि वैल्यू एडिशन है, ठीक है? यानी कि अगर मैं कोई एरिया लाइट बनाता हूँ आर नॉट का, ओके, सपोज इफ आई एम पुटिंग इन एरिया लाइट जिसका कनेक्शन रहेगा सिर्फ मेरे स्फीयर के साथ, ठीक है? ये स्फीयर के साथ में इसका कनेक्शन रहेगा। मैं क्या करूंगा कि जो एरिया लाइट है उसको और इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट से रेंडरिंग लाइटिंग शेडिंग मेक लाइट लिंक्स, ठीक है? मेक लाइट लिंक्स, यानी अभी क्या हो गया, ये जो एरिया लाइट है ये सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है, बराबर है? आई थिंक आफ्टरनून में शेडोज को हम लोग शार्प रख सकते हैं, आफ्टरनून में ज्यादा यू नो ब्लर नहीं होते शेडोज, तो इतना भी ठीक है। बट या इफ यू वांट टू सॉफ्टन इट देन यू कैन सॉफ्टन इट आल्सो। अभी मैं इसको देख लेता हूँ। नाउ आई जस्ट या वी कैन सॉफ्टन इट, इट्स नॉट एन इश्यू। और दूसरा, मैंने ये एरिया लाइट लगाई है, अभी मैं इसको, ये देखिए तकलीफ कहाँ पे हो गई कि एरिया लाइट मेरे पूरे सीन को इल्यूमिनेट करे, विच आई डोंट वॉन्ट। तो मैं ये करूँगा कि लाइट को मैंने भले मेक लाइट लिंक्स किया है लेकिन मुझे उल्टा भी करना पड़ेगा, दैट आई हैव टू सिलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स, यानी मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, इसको डिसलेक्ट किया, कैमरे को डिसलेक्ट किया और इसको भी डिसलेक्ट किया, एंड नाउ आई विल हैव टू ब्रेक द लाइट लिंक्स, यानी ये जो लाइट है प्लस ये जो ऑब्जेक्ट्स है, आई विल से लाइटिंग शेडिंग ब्रेक लाइट लिंक्स, यानी लाइट का बाकी सब ऑब्जेक्ट के साथ में कनेक्शन टूट गया। नाउ लेट अस सी, सो नाउ यू कैन सी दैट इट इज नॉट अफेक्टिंग माय रेस्ट ऑफ द बैकग्राउंड, होपफुली। लेट अस क्रॉस चेक इट। सो देखिए, इफ आई एम इंक्रीजिंग माय इंटेंसिटी
टू 10. सो देखिए ये रोड को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है, बराबर है, इट इज नॉट अफेक्टिंग माई रोड दैट मच, क्योंकि उसका उसके साथ में लिंक टूट चुका है. तो अभी अगर मैं मेरे कैरेक्टर को थोड़ा सा एनहांस करना चाहूँ और किकर लाइट या तो रिम लाइट जैसा देना चाहूँ तो इट इज पॉसिबल, ओके, ताकि इसको थोड़ा वैल्यू एडिशन सा मिल जाए. I can even make it a bit blue also. और exposure थोड़ा सा कम, ठीक है, whichever ways, यानी कि मेरा possibility है यहाँ पे कि इस character को थोड़ा सा kicker या रिम ऐसा कुछ देके इसको छोड़ दूँ. तो देखिए afternoon scene है अपना. Now इसका camera को कैसे होगा? ये afternoon scene मैंने create कर लिया है. तो इस रिग, इस लाइट रिग को मैं कहूंगा, और शेडो को भी सॉफ्ट करना है तो शेडो सॉफ्ट कर लेते हैं. देखिए ऑल दी शेडोज यू कैन सी इफ आई एम इंक्रीजिंग इट्स एंगल टू 1. सो देखिए इसके शेडोज थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और इतने, या आई थिंक दिस विल डू. आप दोपहर को कभी देखोगे ना, दोपहर को ज्यादा सॉफ्ट नहीं होते. इफ यू यू कैन जस्ट नोटिस यू नो द बिल्डिंग्स आउटसाइड, आपको ज्यादा ये यू नो ब्लर नहीं दिखेंगे, दे विल बी वेरी शार्प. हम लोग को रियलिटी को ज्यादा फॉलो करना है. तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू मेक अ सेट ऑफ दिस सीन. या दैट इज फाइन, इट इज ओके. द मोर यू फॉलो द रियलिटी द बेटर, ओके. सो नाउ कमिंग टू द लाइट्स, तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, डायरेक्शन लाइट 1 को दूंगा सन, फिर AI स्काई डोम को दूंगा आफ्टरनून स्काई, और एरिया लाइट को दूंगा रिम लाइट आफ्टरनून, ओके. अपनी तीन लाइट हो गई. तो देखिए इसमें आप कोइंसिडेंटली देखोगे कि हमने तीन लाइट बना दी. कौन सी लाइट बना दी हमने? बनाई की लाइट दैट इज अ सनलाइट, फिल लाइट दैट इज अ स्काई लाइट, एंड रिम लाइट जो कि कैरेक्टर के पीछे है. तो कोइंसिडेंटली हमने तीनों लाइट को यूज करके सीन को इल्यूमिनेट कर लिया. नाउ कमिंग टू द आई विल से के थोड़ा सरियल सीन बनाते हैं. सरियल का मतलब कि यू नो थोड़ा सा मिस्टीरियस, इसी सीन को थोड़ा सा मिस्टीरियस बनाते. ये तो जेनेरिक सीन हो गया, मिस्टीरियस कैसे बनाएंगे? सपोज मैं मेरे सनलाइट को निकाल ही देता हूँ, ओके. मैं मेरे सनलाइट को निकाल ही देता हूँ, आई विल से हाइड द सनलाइट, देन आई विल बी मेकिंग अ डुप्लीकेट ऑफ द आफ्टरनून स्काई. अभी मुझे आफ्टरनून स्काई के अंदर थोड़ा सा ट्विकिंग करना है, आई विल बी डुप्लीकेटिंग माई आफ्टरनून स्काई, ओके. तो अभी पुराना वाला आफ्टरनून स्काई को हाइड कर लेता हूँ. नए वाले आफ्टरनून स्काई को लेके अगर मैं इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करूं, इसको मैं बनाऊंगा सरियल स्काई. सरियल जाने हमने वो देखा होगा कि जो यू नो कभी कभी एकदम ऑरेंजिश सा लुक आ जाता है शाम को, एकदम अजीब सा ह्यूमिडिटी की वजह से. तो अगर मैं इसके स्काईलाइट को चेंज करता हूँ, यू कैन सी एंड नाउ वी आर गेटिंग दिस सरियल लुक. आप कभी इसको पिंक भी कर सकते हैं. ओके सीन सेव करना है, ठीक है. या तो नाउ एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, लाइट को थोड़ा कम कर लेते हैं. ओके so this can be you know very weird looking evening scene jisme sun ka thoda contribution yani ye keh sakte hai ki post sunset shayad aisa dikhe aapko ya to aisa dikh sakta hai. aur agar main aisa middle eastern koi country ka aapko agar scene dikhau, okay, middle eastern mein kya hota hai na ki bahut sare sand hota hai, us environment ke andar sand bahut hota hai. So you see lots of orangish, you know, orangish look and feel. And अगर आपने वो टॉम क्रूज का ये मूवी देखा होगा MI Mission Impossible 4 or something, तो उसमें आप देखेंगे ना पूरा एनवायरमेंट जो है पूरा येलो येलो होता है. तो अगर हम इसका रेफरेंस देखें, so suppose if we see some references, एक काम करते हैं दुबई का रेफरेंस लेते हैं.
सो जनरली आपको जो डेजर्ट का जो ये होता है इजराइल का लेते हैं. सी बेस्ट थिंग आई विल से कि इजराइल जो कंट्री है ना, यस यस एग्जैक्टली. तो मैं कहूंगा इजराइल का अगर हम एग्जांपल देखेंगे ना, तो आप देखिए उसमें अजीब सा एक इजराइल इजिप्ट उस टाइप की जो कंट्री होती है, ये देखा आपको यहाँ पे टिंज दिखेगा, येलो टिंज, बराबर ना. यू विल सी दैट इज ऑलवेज. और दूसरा मैं आपको एक मूवी का नाम देता हूँ, द किंगडम, और या तो फिर द ऑरेंज द ग्रीन माइल. द ग्रीन माइल करके एक अच्छा मूवी है, सॉरी द ग्रीन माइल नहीं, द ग्रीन जोन, सॉरी द ग्रीन जोन. इसमें भी आप जब मूवी देखोगे ना, या इवन हर्ट लॉकर मूवी है, करेक्ट, वहां पे जो हर्ट लॉकर करके मूवी है उसमें भी आपको एक हल्का सा येलो कलर का एक फिल्टर सा दिखेगा, बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ सैंड, और लाइट जब बाउंस होती है उसके ऊपर तो यू नो यू गेट दिस काइंड ऑफ अ लुक एंड फील. तो मैं उसको यहाँ पे ट्राई करूंगा इफ आई कैन अचीव दैट. ठीक है, ये मेरी स्काईलाइट हो गई, और अभी मैं अगर सनलाइट को ऑन करता हूँ विच विल ऑल्सो बी येलो, सन को मैं डायरेक्शनल इसको डुप्लीकेट बना देता हूँ, सन सरियल. तो सन सरियल बना दिया, और उसको कलर जो है वो व्हाइट की जगह पे दे दिया थोड़ा सा येलो, और इसको अनहाइड कर देता है. ये देखिए, नाउ यू विल गेट सम काइंड ऑफ अ वेरी हॉट लुकिंग, यू नो हॉट लुकिंग एनवायरनमेंट, राइट. आप जब भी इवन आपने कोई मूवी देखा होगा, इफ यू हैव सीन दिस द ब्लैक हॉक डाउन, ब्लैक हॉक डाउन मूवी है, उसमें भी आपको वो जो सूडान या कौन से कंट्री में हुआ था, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर दैट कंट्री, लेकिन वो भी ऐसा सीन आप देखोगे ना, बहुत ही हॉट वहां पे जो गर्मी होती है वो दिखाने के लिए दे क्रिएट सच काइंड ऑफ एनवायरमेंट, राइट. तो वहां पे ब्लू स्काई नहीं दिखेगा ज्यादा, वहां पे आपको येलो एनवायरमेंट ज्यादा दिखेगा. टू शो मिडिल ईस्टर्न एरियाज आई थिंक यू कैन गो विथ दिस काइंड ऑफ कलर स्कीम. ठीक है, तो लेट अस चेक इफ यू कैन फाइंड द ब्लैक हॉक डाउन मूवी का. इवन ये जो जीरो डार्क 30 था उसमें भी शायद आपको दिखेगा. सी नाउ दिस इज व्हाट आई एम से आई वाज टॉकिंग. इसका जो कलर ग्रेडिंग है बहुत ही बढ़िया है, इफ यू सी ग्रीनिश एंड येलो स्टोन जो है इसका, राइट. दिस वन, तो ऐसा कोई कलर स्कीम सोच के आप करेंगे ना, तो आपका जब इल्यूमिनेशन हो जाएगा, सो देन यू विल देन डू इट इन पोस्ट, यानी आप पोस्ट इफेक्ट जब देंगे एडिटिंग में, तो उस टाइम पे एकदम रेलेवेंट दिखेगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका सरियल जैसा काइंड ऑफ स्टाइलाइज्ड. इसको भी मैं अभी हाइड कर देता हूँ, सरियल सन एंड स्काई. अभी मैं आ जाता हूँ इवनिंग के ऊपर, बराबर. तो इवनिंग में क्या होगा कि इवनिंग स्काई थोड़ा सा सैचुरेटेड होगा, और सन भी जो रहेगा दैट विल बी अ बिट, यू नो, इट विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ सैचुरेशन, सन इवनिंग. तो अभी सन को अनहाइड कर देते हैं, और सन का जो कलर है एकदम सैचुरेटेड. I think we can use this. Yeah, इतना चल जाएगा. और इसके जो shadows है, अभी देखिए sun जो आपका शाम को जो sun होता है वो इतना top से angle नहीं होता, उसका थोड़ा side से angle होता है. Okay, so make sure that your angle is quite you know touching the ground. उसको ground से काफी नजदीक होना चाहिए. उसका जो सन का जो डायरेक्शन है, और सबसे बड़ी बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि आपका जो शेडो का जो सॉफ्टनेस है वो आपको शाम के टाइम पे बढ़ा देना पड़ेगा. ओके, सपोज इफ आई एम कीपिंग लाइक दिस, शाम को जो सन है उसका जो शेडो है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा. सपोज मैंने ऐसे किया और मैंने इसका एंगल जो है बढ़ा के 5 कर दिया. ओके,
Now all the shadows will become soft. Yeah, so now we are getting some evening. का जो लुक एंड फील है वो थोड़ा आ जाएगा. सन को सेटल कर लेते हैं. वी विल नॉट बी कीपिंग इट टू हार्ड और वी विल लेट मोर स्काईलाइट कम इन. हम लोग की जो स्काईलाइट है उसको और फर्दर थोड़ा सीन में आने देते हैं. तो देखिए इतना अगर मेरा सनलाइट का कंट्रीब्यूशन है तो देन इफ आई एम स्विचिंग ऑन माई स्काईलाइट सो नाउ वी विल बी गेटिंग द स्काईलाइट सनलाइट प्लस स्काईलाइट. और ये जो अपना स्काईलाइट है वो भी येलो से चेंज होके हो जाएगा पिंक. ठीक है इसका थोड़ा इंटेंसिटी भी कम कर लेते हैं. एक्सपोजर विल बी 0.5 इंटेंसिटी आल्सो 0.5. वी आर जस्ट यूजिंग इट टू फिल अप द काइंड ऑफ यू नो फिल अप द ब्लैक एरियाज. हम लोग ज्यादा इसको ये नहीं करने वाले ओवर एक्सपोज नहीं करेंगे. सो शाम का जो लुक एंड फील है maybe you can keep it like this. Okay. Yeah. So this seems like an evening to me. Yeah, you can say कुछ भी आप अभी तो मैं सीधा master lighting कर रहा हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप compositing में इसको करेंगे तो और further आपको इसमें help मिल जाएगा. So sun evening इसको थोड़ा सा ब्राइटन कर लेते हैं. या सो इवनिंग इज वेरी सब्जेक्टिव. इवनिंग का आप अगर सीन देखोगे ना कहीं भी इवन आप इसमें रेफरेंस ढूंढोगे इवनिंग करके लिखोगे ना इवनिंग सिटी करके लिखते हैं. ठीक है इवनिंग सिटी. So evening city में you can see that evening city sun sky. Okay, evening city buildings. You know this is a very vague impression. यानी ये ऐसा pink color के buildings दिख रहे हैं और sun and sky भी yellow और red है. एकदम से ये डिफाइन कर रहा है कि शाम को कितने कलर्स सैचुरेट हो जाते हैं. बट आई विल से इवनिंग सिटी गोल्डन आवर. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. सो वी विल हैव टू गो थ्रू अ फ्यू यू नो इमेजेस लाइक दिस. जैसे ये है ओके. So you can see that these warm lights are coming from these nice lights. Plus, you can see the pink or bluish tone onto the buildings. Your white buildings you have seen. That is whole you know color of the sky. इस तरह से आपको थोड़े बहुत references लेने पड़ेंगे. But whatever we are achieving right now is kind of acceptable. बराबर. और इसमें आप जब glow डालते हैं थोड़ा सा, तो glow डालने से और further इसमें आप beauty बढ़ जाएगा. और देखिए यहाँ पे जो kicker light है. ये जो स्फीयर की देखिए स्फीयर एनीवेज इज लुकिंग नाइस. बट इफ आई एम डुप्लीकेटिंग इट सपोज मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और मैं इसके ऊपर एक ये रिम लाइट है और एक किकर लाइट दे देता हूँ. ठीक है तो अभी क्या होगा मैंने डुप्लीकेट किया तो कनेक्शन फिर से एस्टेब्लिश हो जाएगा. ये देखिए रोड के ऊपर भी आपको दिख रहा है. तो आपको क्या करना है ये लाइट को पकड़ा और आपने बाकी सब ऑब्जेक्ट्स को पकड़ा शिफ्ट कंट्रोल सिलेक्ट सारे ऑब्जेक्ट्स एक्सक्लूडिंग योर स्फीयर क्योंकि वो तो आप कनेक्ट करोगे इसके साथ. इस लाइट के साथ इन सब चीजों का कनेक्शन नहीं होना चाहिए. आई विल से ब्रेक लाइट लिंक्स. ये थोड़ा शॉर्टकट तरीका हो गया. तो देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट था तो इसलिए क्या है डुप्लीकेट में आप जब बनाते हो ना तो डुप्लीकेट में फिर से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है. डुप्लीकेट के अंदर फिर से कनेक्शन बन जाता है तो आपको फिर से उसको तोड़ना पड़ेगा. ठीक है अभी देखिए जो भी लाइट जो भी मेरी ये सनलाइट है उसी का कलर मैं इस किकर लाइट में डाल दूंगा
तो देखें यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं दैट दिस इज माय किकर लाइट। तो अभी आपको ये स्फीयर के ऊपर ध्यान जा रहा है ऑटोमेटिकली बिकॉज दिस स्फीयर हैपेंस टू बी द मोस्ट लिट अप ऑब्जेक्ट इन द सीन। तो ऑटोमेटिकली किसी का भी ध्यान यहाँ पे ड्रॉ होगा, करेक्ट है? इवन व्हेन यू नो ऑल द बिल्डिंग्स आर बीइंग लिट अप, सबसे पहले लोगों का यहाँ पे ध्यान जाएगा क्योंकि आपने एडिशनली यहाँ पे दो लाइट डाली हुई है which is just enhancing it artificially. सिर्फ आपको पता है कि ये चीज क्यों विजिबल है, but the only thing you did is you added a kicker light and a rim light onto it. That's it. तो आप सोचिए कि इस चीज का ऑरेंज के साथ में कनेक्शन लग रहा है आपको? Now you can relate कि ऑरेंज जो हमने किया था वो कितना जरूरी था, कि उसमें भी क्या था, एक की लाइट आ रही थी, फिर की लाइट के साथ में आपको या तो किकर लाइट आए तो रिम लाइट आ रही थी, दूसरी तरफ से भी आपको एक लाइट मिल रही थी और बैकग्राउंड, बराबर। तो सारा कुछ इंटर रिलेटेड है, एवरीथिंग इंटर कनेक्टेड, ठीक है? तो अभी ये हो गया, यस। तो हम लोग ने ऑरेंज में स्पॉटलाइट यूज किया था, यस। इसमें एरियल लाइट यूज करें, मतलब फार्मर्स की लाइट यूज करें? नॉट नेसेसरी। देखिए एक्सटीरियर है तो डायरेक्शन लाइट तो बनता है, डायरेक्शन लाइट करोगे तो शेडोज पैरेलल आएंगे, सन के लिए आप डायरेक्शन लाइट यूज करो, बाकी आपको रिम लाइट के लिए या किकर लाइट के लिए एरिया लाइट यूज करनी है तो एरिया लाइट यूज करो, और स्पॉटलाइट यूज करना है तो स्पॉटलाइट यूज करो, डजंट मैटर, आपको जैसे कन्वीनियंट पड़े, ठीक है? सिर्फ नहीं 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 क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको डोम लाइट दी हुई है ना उस चीज के लिए, है ना? यानी वो मैं आपको दिखा देता हूँ बाय द एंड ऑफ द लेक्चर, मैं आपको वॉल्यूम लाइट का भी वो फंडा सिखा देता हूँ, ठीक है? यस, तो वो भी कर लेते हैं। सो नाउ इवनिंग इज क्वाइट वेल डन आई विल से। और देखिए जो ग्रेन्स आ रहे हैं, ये ग्रेन्स जो आ रहे हैं ना, इसका आप टेंशन मत लेना, बिकॉज एज सुन एज आई इंक्रीज माई कैमरा एंटी अलियासिंग सेटिंग टू 2 एंड डिफ्यूज टू 3, अब देखिए यहाँ पे क्लैरिटी बढ़ जाएगी अपने आप। ओके जस्ट अ सेकंड, ओके, सो यू कैन सी दैट दीज यू नो दीज ग्रेन्स आर रिड्यूसिंग, काफी अब तक अभी काफी अब तक क्लियर हो गया है। और फर्दर बढ़ाना है तो 3 कर लो। और मेरे किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर मैंने 10-10 करके रखा है, यानी वो उसने अच्छा सीन किया था, ही क्रिएटेड अ गुड सीन, लेकिन उसने कहा सर मैं सेटिंग क्या रखूँ, मैं सबको 10 कर दूँ क्या? अरे मैंने कहा यार देखो आपका जब टेम्परेचर, आपका जब बुखार आता है तो ऐसा नहीं होता कि 98.6 और 100 डिग्री के बीच में कम डिफरेंस है, यानी ऐसा नहीं है सिर्फ डेढ़ यूनिट का ये डिफरेंस है, यानी आपका 98 डिग्री हो गया और 100 डिग्री हो गया उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, यानी ऐसा नहीं है कि आपने 98 हो गया तो हाँ मतलब आप बुखार के एकदम नजदीक हो, ऐसी बात नहीं है। 99 डिग्री भी बहुत ज्यादा होता है और 100 डिग्री उससे भी ज्यादा होता है, और 101 मतलब तो बहुत ज्यादा हो गया, करेक्ट है? और वैसे ही रिक्टर स्केल का होता है, यानी अर्थक्वेक होता है उसके अंदर क्या है कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी 1 से 2 बहुत ज्यादा होता है, 2 का जो 3 होता है, 2 के 3 के बीच में बहुत ज्यादा जो है यू नो इट क्रिएट लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। तो आप भी यहाँ पे एंटीलेसिंग में जब खेलोगे ना तो ये मत करना कि 2 से 10 के बीच में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक एक यूनिट भी डिफरेंट और मैटर करेगा, सो डोंट गो वाइल्ड विथ रिगार्ड्स टू यू नो सेटिंग योर anti-aliasing on all these units, यानी numbers को set करने में थोड़ा sensitive रहना, वरना आपका जो है पूरा दिन render होगा लेकिन कुछ खत्म ही नहीं होगा। ये देखिए, you all can see the difference, right? The clarity that we are getting now, correct? Yes.
हैंग हो गया तो टाइम लेगा, यू नो इट विल टेक टाइम, बट व्हेन यू आर पुटिंग इट ऑन फाइनल रेंडर, मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग सेंसिटिव यू नो सेटिंग्स, यानी यू आर बीइंग यू नो कंसिडरेट विथ रिगार्ड्स टू फाइनलाइजिंग योर सेटिंग्स। अब हर चीज को यहाँ पे एनालाइज करो कि जो जरूरत है उसको ज्यादा रखो, जिसकी जरूरत नहीं उसको कम रखो। सो सी आई एम एक्चुअली रिड्यूसिंग द ग्रेन्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पार्ट जो है कितना स्मूथ हो गया है। तो अगर मेरा 4 से ही हो गया तो मैं 10 क्यों रखूं, बराबर है? तो इस बारे में थोड़ा यू नो जस्ट बी पर्टिकुलर विद दिस पर्टिकुलर, बी वेरी कंसिडरेट विद रिगार्ड टू दीज सेटिंग्स, एकदम ध्यान से करना। ठीक है, बिल्कुल क्लैरिटी आ गई, बराबर है, इट्स लुकिंग क्वाइट नाइस। सो देखिए, मैंने आपको, अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो मैंने आपको क्या किया कि मैंने पहले तो मॉर्निंग या तो कह सकते हैं आफ्टरनून का बता दिया, उसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि जो सरियल जो मतलब आपका कभी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में चले गए तो हो सकता है येलोइश लुक एंड फील हो, तो चलो वो भी कर लिया। अगर आपको रेनी सीजन बनाना है तो आप इसमें रेनी सीजन भी बना सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू हाइड द सनलाइट और आपका जो स्काईलाइट है उसको ब्राउन, उसको ग्रे कर दो, ठीक है? यानी उसमें कोई कलर ही मत रखो, आप उसको सिर्फ थोड़ा सा ग्रे रख दोगे या तो फिर उसका इंटेंसिटी कम कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपका वो रेनी सीजन बन जाएगा। या तो इवन आप ब्लू ब्लू कलर का भी थोड़ा सा स्काई रख सकते हो, डार्क ब्लू जैसा, ग्रीनिश जैसा, यू कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है? बट नाउ करेंटली आई एम गोइंग टू डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग सीन, या तो कह सकते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग यू नो लुक एंड फील, विच इज गोइंग टू बी द नाइट सीन, बराबर है? नाइट सीन जो होता है उसमें बहुत ज्यादा स्कोप होता है नई नई चीजें करने का, तो लेट अस ट्राई अ नाइट सीन। तो इसको मैं फिर से इसका एंटीलेसिंग जीरो, जो 4 था उसको 0 पे लेके आता हूँ ताकि अपना रेंडरिंग टाइम थोड़ा बच जाए। डिफ्यूज को भी 2 पे लेके आता हूँ ताकि अपना प्रीव्यू जल्दी से हो जाए। सो नाउ आई विल बी हाइडिंग ऑल दीज लाइट्स, ओके, मैं सारी लाइट को हाइड कर देता हूँ। आई विल बी हाइडिंग दीज लाइट्स, कंट्रोल एच। अभी आते हैं लास्ट वाले लाइट, दैट इज गोइंग टू बी द नाइट। और नाइट में क्या होता है कि नाइट में आपकी आर्टिफिशियल लाइट ज्यादा काम करती है, जैसे आपकी विंडोज हो गई, यू सी आपकी विंडोज हो गई, फिर ये स्ट्रीट लैम्प हो गया, यू सी दिस स्ट्रीट लैम्प व्हिच इज क्वाइट लॉन्ग एक्चुअली, लंबा कैसे हो गया पता नहीं, एक्चुअली इतना लंबा नहीं था, छोटा था, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यू सी इसको मैं थोड़ा सा सीन में आ जाए वैसा कर लेता हूँ। आई थिंक दिस मच इज गुड इनफ, और ओके, तो ये अभी अपने कैमरे में आना चाहिए तो अच्छा लगेगा। और नाउ लेट अस सी अभी क्या करेंगे, ये देखिए एक लाइट रहेगी, इसको हाइड अभी शुरुआत से करेंगे। पहले तो आ जाएगा मूनलाइट, अपने पास ऑप्शन है मूनलाइट को दिखाना है या नहीं दिखाना है। आपको कभी कभी अमावस की रात होती है तो मूनलाइट नहीं भी दिखता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मूनलाइट रखना चाहूँ और मुझे ऐसे चाहिए कि पूरे पूरे सिटी में लाइट चली गई है और मुझे सिर्फ मूनलाइट ही है जो मेरा सहारा है, तो मैं सनलाइट को डुप्लीकेट करके कर दूंगा मून, ओके, और मैं इवनिंग वाला सन नहीं लूंगा, आई विल बी टेकिंग आफ्टरनून वाला सन, क्योंकि मूनलाइट जो है ना, मूनलाइट जनरली आपको टॉप से दिखती है, यू सी इट इज नेवर ऑन द होराइजन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और आपने जब अंधेरे में देखा होगा माथेरान या महाबलेश्वर में, तो उधर भी आपकी जो मूनलाइट इज क्वाइट प्रोमिनेंट, आपको मूनलाइट के शेडोज भी बहुत शार्प दिखते हैं, सो यू नो यू कैन यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर फीचर। तो इसको मैं बनाऊंगा मून, और मून के अंदर कलर होता है थोड़ा सा लाइट ब्लू, बराबर, तो इसका मैं कलर कर लूंगा थोड़ा सा लाइट ब्लू। सो नाउ इफ आई प्ले, ओके, मून को अनहाइड, सो देखिए दिस हैज बिकम माय मून लाइट, मून लिट सीन। थोड़ा सा सैचुरेशन के साथ खेलना पड़ेगा, करेक्ट, आपका कोई जब ये होता है कि कोई हॉरर मूवी होता है उसमें आपको रेसिडेंट इविल आप देखोगे या तो कोई ऐसे गेम देखोगे जिसके अंदर यू नो यू हैव गॉट सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, तो आपको इस टाइप का थोड़ा लाइटिंग दिखेगा वेयर इट इज मूनलिट। इवन कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स देख लो, आप कुछ भी देखोगे ना, आपको हल्का सा ऐसा मून लाइट का इफेक्ट दिखेगा।
तो यू नो कोइंसिडेंस, हमेशा हम अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि नहीं नहीं ये बात ऐसी नहीं हो सकती, उसमें तो कुछ डिफरेंट रहेगा, उसमें उन्होंने कुछ और किया हुआ। इवेंचुअली आपको जब रियलाइज होगा तो आप नोटिस करोगे कि आप वही कर रहे हो जो कि नेचर में हो रहा है, ठीक है, देयर इज नथिंग एल्स, सो लेट अस एक्सेप्ट इट, लेट अस नॉट रन अवे फ्रॉम इट। जो हकीकत है वो है, करना है तो करना है, ठीक है। सो देखिए मूनलाइट हो गई हल्की सी, ठीक है। अभी अगर मैं इसके अंदर स्काईलाइट डाल देता हूँ, यानी मून है तो स्काई भी है, तो स्काई डोम जो है अपना अभी होगा नाइट स्काई डोम, बराबर, कंट्रोल डी, नाइट स्काई, ठीक है। नाइट स्काई में विल बी हैविंग अ वेरी स्लाइट हिंट ऑफ लाइट ब्लू या तो डार्क ब्लू, बराबर। जैसे इसको मैंने अनहाइड कर दिया, शिफ्ट एच, देखिए अभी हम यहाँ पे प्ले करेंगे, अब देखेंगे जो अनलिट एरियाज है ना थोड़े बहुत फिलअप हो जाएंगे। आई जस्ट कंपेयर दिस, ये देखिए ये मैंने कीप इमेज कर दिया, और ये देखिए यहाँ पे अभी लिट अप हो गया। इफ यू कंपेयर दिस टू इमेजेस, दिस इज विदाउट स्काई, दिस इज विदाउट स्काई एंड दिस इज विद स्काई, ठीक है। तो अभी आपका थोड़ा सा नाइट का जो सीन है वो एस्टैब्लिश हो गया, करेक्ट। और अगर आप इसमें से मूनलाइट को हटा दें तो आपका जो सीन है वो काफी हद तक एम्बियंट लिट हो जाएगा। एम्बियंट लिट, एम्बियंट का मतलब इसके कोई सोर्स है ही नहीं, सिर्फ स्काई है, स्काई ऊपर से थोड़ा बहुत आपको इल्यूमिनेशन दे रहा है, देयर इज नथिंग एल्स दैट इज हैपनिंग, बराबर है। अभी मैं क्या चाहूंगा कि आई विल बी गोइंग टू, आई विल बी अप्लाइंग अ स्पॉटलाइट, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो ये मैं कह रहा था कि देखिए इसमें ये जो स्पॉटलाइट्स है यहाँ पे मैं फोटोमेट्रिक या मॉर्निंग 4 AM लाइट दिख रहा है ना, करेक्ट। तो देखिए अभी इसमें एनहांसमेंट कितना ज्यादा होगा, रात को स्ट्रीट लाइट चालू होती है तो स्ट्रीट लाइट चालू कर लेते हैं। वी विल बी गिविंग दीज टू ऑब्जेक्ट्स, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि स्ट्रीट लाइट के हैं, तो इसमें वही फंडा यूज होगा जो लास्ट टाइम था, हाथी की दांत दिखाने के और चबाने के, और असाइन न्यू मटेरियल, AI स्टैंडर्ड सरफेस, और प्रीसेट होगा AI, अपना जो प्रीसेट होगा दैट इज एमिजन इनकैंडेसेंट बल्ब। यहाँ पे देखिए ये इल्यूमिनेट हो जाएगा, इल्यूमिनेट तो हो गया बट लाइट एमिट नहीं होगी। टीवी में देखा था हमने कि वो टीवी के अंदर से लाइट इतनी एमिट नहीं हो रही थी, करेक्ट है। तो अभी इसमें से मैं फोटोमेट्रिक लाइट यूज करके आई विल बी एमिटिंग द लाइट, मैं इसमें से लाइट एक्चुअल एमिट करूंगा। तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा एक फोटोमेट्रिक लाइट, और इसको थोड़ा पॉज कर लेता हूँ ताकि फास्ट हो जाए काम। देखिए फोटोमेट्रिक लाइट मेरी वहां वहां पे होगी जहाँ पे मेरा ये जो है अपना स्ट्रीट लाइट है। सी नाउ दिस इज गोइंग टू बी माय फोटोमेट्रिक लाइट, ओके। पहले एक को अचीव कर लेता हूं, अगर एक अच्छा आया तो फिर उसको डुप्लीकेट करके दूसरे पे डुप्लीकेट कर लूंगा, बराबर। तो ये देखिए यहाँ पे फोटोमेट्रिक लाइट आ गई। नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट IS फाइल, जो कि मैं 16 यूज कर सकता हूँ, IS गाइड रिसोर्सेस एंड IS गाइड, आई विल से 16, 16 यूज करता हूँ, 13 भी यूज करता हूँ, 13 का जो है ना कवरेज इतना ज्यादा नहीं है तो मैं चाहूंगा कि मैं 13 यूज करूँ फिलहाल। लेट अस लोड इट, और इसका एक्सपोजर फिलहाल कम होगा, इसको थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा देंगे टू, एक्सपोजर विल बी मोर लाइक 10 और समथिंग। ये देखिए लाइट आ गई, थोड़ी ज्यादा हो गई, थोड़ा कम कर लेता हूँ 5, या सो नाउ इट इज लुकिंग रेलेवेंट। और अपनी जो सोडियम वेपर, जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था कि सोडियम वेपर जो बल्ब होता है सो वो थोड़ा वार्म होता है, करेक्ट है, थोड़ा सा वार्म। तो अगर मैं टेम्परेचर यूज करके, इफ आई एम यूजिंग अ कलर टेम्परेचर एंड देन आई एम गिविंग इट
some kind of a warm tinge, जो कि 4500 हो सकता है. So can you now see कि थोड़ा सा warm tinge आ गया. और ये मैं कहूँगा ये अपना LED light का है. Now this is more like your LED light वाला tinge जो कि आजकल visible है. आज का scene बना रहे हो तो 4500. अगर आप पुराने जमाने का scene बनाते तो आपको use करना पड़ता 2500 या तो 3500. बराबर है, क्योंकि पहले थोड़ा वार्म टिंज होता था ज्यादा. और इसका जो एक्सपोजर है इसको भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ 7. करेक्ट, आई थिंक 6 विल बी फाइन. थोड़ा बर्न आउट हो रहा है. यस, सो नाउ 6 इज गुड एंड आई कैन से 4000 जितना रख देता हूँ ताकि न्यूट्रल हो जाए. ये तो सही हो गया, एकदम हॉरर सीन हो गया. ओके ठीक है. सो अभी मैं इस लाइट को डुप्लीकेट कर लेता हूँ. ओके, Control D, duplicate. So now if we see, ये देखिए दोनों लाइट मिला के अपने को ये इल्यूमिनेशन दे रहा है. ठीक है, और लगे कि दोनों लाइट मिला के यहाँ पे बर्न आउट हो रहा है तो दोनों का थोड़ा सा इंटेंसिटी कम कर दो. आई थिंक आई कैन टेक इट टू 4.5 दोनों का. जिससे कि आपका सीन ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा है. ओके, मेक श्योर दैट योर सीन इज नॉट गेटिंग ओवर एक्सपोज. आप मीडियम से ब्राइट पे लेके जा सकते हो लेकिन ब्राइट से मीडियम पे नहीं लेके आ सकते, तो हमेशा ये ध्यान रखना. अभी देखिए स्ट्रीट लाइट आ गई है लेकिन मुझे चाहिए कि मैं विंडोज के अंदर से भी कोई लाइट एमिट करूँ. जो विंडोज है इसमें से भी शायद से अंदर से ऐसा यू नो घर के अंदर से लाइट आती है. भले ये यहाँ पे यू नो दीज आर ब्लाइंड्स, यानी ये कह सकते हैं इसके अंदर से तो लाइट नहीं आती लेकिन हम लोग फेक करेंगे. ठीक है, हम लोग थोड़ा फेक करेंगे कि हाँ यहाँ से कोई लाइट बाहर आ रही है. तो लेट मी पुट आई कैन से कि इसको मैं थोड़ा सा एक एरिया लाइट ले लेता हूँ यहाँ पे. इसको पॉज कर लेता हूँ. आई विल हैव टू विंडोज विच विल बी एमिटिंग द लाइट. वन विल बी ऑन द बॉटम. ओके, ये बॉटम पे आ गया, ये आ गया और ठीक है ये हो गया. नाउ ये जो होगा वो होगा इल्यूमिनेशन के लिए. ठीक है, नाउ इसके अंदर से भी मैं वार्म लाइट को इल्यूमिनेट एमिट करूंगा. So now I'll be using a temperature 3500, iska exposure 10 ya 5 and I'll say preview. Kaisa dikh raha hai? Kaisa dikh raha hai? Road ke upar light aa rahi hai, theek hai? Lekin takleef ye hai that we don't have the source. Yani ye jo blinds hai they themselves are not illuminating. Isko bhi main kya karne wala hu, inko aur inko yahan pe ek AI standard surface de deta hu jo ke visibility ke liye hoga. Which is for emission. Emission use करके देखिए मैंने यहाँ पे emission लेके आया और emission निकलेगा shader से और illumination होगा light से. Emission is different and the light is different. तो देखिए ये मैंने light यहाँ पे रख ली तो ये हो गया. दूसरा और भी एक window कर लेता हूँ यहाँ पे, दो windows यहाँ पे. I think I'll be having these two windows. इसके अंदर भी दे देता हूँ emission incandescent AI standard surface incandescent bulb. ये हो गए और इसी लाइट को control D rotate 90 degree और यहाँ पे कर लिया और इसी लाइट को control D यहाँ पे. So now if I see my scene. So now my room is getting, I mean this area is getting lit up. Correct? यानि building का plus street light को मिला के अपना scene lit up हो रहा है. अगर अभी देखे इसमें moonlight नहीं है, इसमें से skylight है. अगर मैंने इसमें moonlight को activate कर लिया, moon को अगर मैंने shift H कर लिया, तो देखे overall scene थोड़ा lit up दिख रहा है अभी. अगर मेरे incandescent bulb को if I am changing its color
थोड़ा सा मैं इसको ऑरेंजिश कर लेता हूँ. इमेजिन ऑरेंज, या सो दिस इज लुकिंग मच बेटर टू मी. मेरे ख्याल से मुझे ये कलर ज्यादा पसंद है, ऑरेंजिश कलर, और इवन इसके अंदर भी. And now coming to the most important part, glorifying. Glorify का मतलब उसको क्या कहते हैं, जो final frosting बोलते हैं उसको, frosting on the cake, icing on the cake, you can say. तो देखिए इसके अंदर kicker light नहीं है, तो kicker light को भी activate कर लेता हूँ यहाँ पे. This one, I think this is the light. इसको मैं duplicate करके इसको मैं activate कर लेता हूँ. ये देखिए, now my sphere is looking much better. And the last thing is, I am going to give a volume fog into this scene. So volume fog चालू करने से पहले, make sure that your dome light is having the volume visibility zero. हमने last time इसको discuss किया था, मैं फिर से इसको discuss नहीं करना चाहूँगा. जब आप density या तो जब आप volume को एनवायरमेंट में डालने वाले हो, मेक श्योर दैट योर डोम लाइट इज नॉट हैविंग द वॉल्यूम एक्टिवेटेड, वरना तकलीफ हो जाएगा, वरना आपका सीन पूरा फॉगी फॉगी हो जाएगा, बिकॉज दिस होल डोम लाइट विल बी एमिटिंग द फॉग, विच इज नॉट एडवाइजेबल, आपको वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है. तो इस वजह से इसको ऑफ कर दो. नाउ वी आर गोइंग टू गो टू रेंडर सेटअप. रेंडर सेटअप में जाके एनवायरमेंट में क्रिएट AI एटमोसफेयर वॉल्यूम, डेंसिटी जीरो है, डेंसिटी जीरो है. और दूसरा, इवन ये रिम लाइट के अंदर से भी निकाल देते हैं, ये जो रिम लाइट है, रिम लाइट वन, रिम लाइट दिस वन, इसके अंदर से भी हमें इसको ऑफ करना पड़ेगा वॉल्यूम को, वरना वो बिना वजह ऑब्जेक्ट के पीछे दिखेगा. तो या सो नाउ दिस मच इज डन. अभी आ जाते हैं रेंडर सेटअप, इसके अंदर AI एटमॉस्फेयर वॉल्यूम के ऑप्शन बॉक्स में जाके डेंसिटी को 0.001 रेंडर, ओके 0.025 कर लेते हैं एक बार. यस, सो नाउ वी आर गेटिंग द वॉल्यूम फॉग्स फ्रॉम हियर एंड देयर, करेक्ट. और डायरेक्शन लाइट में से भी ऑफ करना पड़ेगा. एक चीज भूल गए कि अगर हमने मूनलाइट रखी है, डायरेक्शन लाइट में से भी आपको वॉल्यूम को ऑफ कर देना है, बिकॉज इट इज इन्फिनिटी, बराबर. तो आपको नहीं चाहिए कि आपके पूरे सीन में डायरेक्शन लाइट के अंदर जहां जहां पे इल्यूमिनेशन हो रहा है वहां पे आप उसको फॉग दे दें, ठीक है. तो आई थिंक वी आर थ्रू विद दिस सीन. So now you can just play around. You can just keep on playing around with this. अभी अगर आपको इसके लाइट को थोड़ा सेचुरेट करना है, सपोज आपको थोड़ा कोको जैसा फील देना है जो कोको मूवी में है, सो यू नो यू कैन जस्ट गिव दिस स्काईलाइट अ बिट ऑफ अ पिंकिश लाइट. थोड़ा ब्लू है तो इसको अब हल्का सा सैचुरेट कर लो. ओके, सो नाउ थिंग्स विल लुक अ बिट मोर, यू नो, ये कह सकते हैं कि वो साइबर पंक जैसा जो आजकल इफेक्ट आ रही है, पिंकिश एंड ब्लूइश एंड ऑल दैट, ऐसा भी आप बना सकते हैं, करेक्ट. अगर आपको इसको स्कैरी सीन बनाना है, स्कैरी बनाना है तो आप क्या करोगे, रेड कलर बढ़ा दोगे, करेक्ट. You'll be increasing the red color. So, सभी को ये सीन समझ में आ गया? All of you, my dear students. Yes. Not very difficult. Now you just need to try it on your own. पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि तकलीफ होगी. आई एम नॉट सेइंग कि आपको पहली बार में ही
मुझे एकदम दिखा देना है, लेकिन आप दिखाओगे तो पता चलेगा, ठीक है ना? आप अगर कोई गलती करके दिखाओगे ना तो आइडिया आएगा कि चलो यहाँ पे गलती हो रही है। बट इफ यू डोंट डू इट एंड अज्यूम कि हम एकदम अचानक से एग्जाम में जाके इसको क्रैक कर लेंगे तो बहुत बड़ी गलती होगी, बराबर। वो गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। आप सीन के अंदर प्रैक्टिस के टाइम पे गलती करोगे वो एक्सेप्टेबल है, ओके? सो मैं अभी एक एक करके सारे आपको वर्जन दिखा देता हूँ जो आप अभी हम लोगों ने 2 घंटे में कम से कम कितने 4-5 वर्जन बना लिए। सो लेट मी जस्ट क्रिएट सम काइंड ऑफ अ ग्रुप फॉर ऑल ऑफ दी, यानी कि इसका मैंने ग्रुप बना लिया इस लाइट्स का, इसको देंगे नाइट ग्रुप, उसके बाद इवनिंग का हमने जो ग्रुप बनाया है इवनिंग का, ऐसा नहीं है, इसको भी ग्रुप बना देते हैं, दिस विल बी इवनिंग। यस कौन सी लाइट में? मतलब लाइट एरिया लाइट। हाँ राइट। और वॉल्यूम एटमॉस्फेरिक पोर्शन भी अपने वॉल्यूम ही विजिबिलिटी ऑफ किया था। मैंने क्या किया था कि अपना जो डायरेक्शन लाइट है, डोम लाइट है, और अपने जो कैरेक्टर के पीछे जो दो मैंने एडिशनल लाइट लगाई थी उसके अंदर मैंने वॉल्यूम फॉग को ऑफ कर दिया, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मेरा जो वॉल्यूम फॉग है वो सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स और विंडो के लाइट्स के थ्रू ही बाहर निकले, ठीक है? बाकी इसलिए मैंने जितने भी लाइट्स मुझे नहीं चाहिए था वहां से मैंने विजिबिलिटी ऑफ कर दी फॉग की। मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट अ सेकेंड। अभी देखिए मैं हाँ हाँ वॉल्यूम निकलना चाहिए। यस यस करेक्ट बराबर है। अभी देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 4 वर्जन्स को एक एक करके अनहाइड करके देखेंगे, यानी कि मैं पहले तो सभी को हाइड कर लेता हूँ, ओके? पूरा ब्लैक हो गया। ये विंडो की जो शेडर है वो हम कंपोजिटिंग में जाके कर सकते हैं। अभी देखिए हम आएंगे आफ्टरनून पे, आफ्टरनून को अनहाइड करेंगे। Now this is going to be our afternoon scene. थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इट विल कम। रिफ्रेश ओके रेंडर रिफ्रेश रेंडर Okay, why is it not coming? There seems to be a glitch. Night, unhide. Night भी नहीं आ रही है, क्या हो गया? Okay. इसको मैं बंद कर लेता हूँ. I'll just close it. I'll reopen it. Let us see. आ गया. अभी देखिए सारी लाइटें साथ में आ गई. जस्ट इमेजिन मुझे तो ये सीन ही अच्छा लग रहा है, फॉर सम रीजन आई लाइक दिस सीन अलॉट, पता नहीं कैसे आ गया, मजाक मजाक में सीन इल्यूमिनेट हो गया और अच्छा लगने लगा। Isn't it looking nice? यानी इसमें सारी लाइट है, यानी इसमें क्या हो गया आफ्टरनून प्लस नाइट दोनों कंबाइन हो गया, बराबर। इसमें देखिए विंडो की लाइट भी आ रही है और आफ्टरनून की लाइट भी है, मतलब किसी ने आफ्टरनून होने के बाद भी स्ट्रीट लाइट ऑन रखी है। You can see these lights are on. अगर मैं अभी night का light off कर देता हूँ, yes exactly, accidental discovery, बराबर ना? अभी देखिए सिर्फ afternoon ऐसा लग रहा है, the only afternoon, it is looking like this, which is kind of boring for me. Afternoon को hide कर लेते हैं, जाने दो, और कोई sky लेते हैं। कौन सा लेंगे, इवनिंग का लेंगे, इवनिंग का कैसा लग रहा है? देखिए अभी इसमें एक्चुअली दिस इज नॉट रिफ्रेशिंग प्रॉपरली, वी हैव टू गो बैक टू आवर हाँ अभी ठीक दिख रहा है, यानी वी आर नॉट एबल टू यू नो डू इट एफिशिएंटली, बट या वी जस्ट हैव टू रिफ्रेश द आर्नोल्ड रेंडर व्यू। ये देखिए इवनिंग हो गया, उसके बाद इसको बंद कर लेते फिर से, उसके बाद और एक वर्जन ले लेते हैं सरियल वाला, सरियल वाला अनहाइड किया, उसकी लाइट्स को अनहाइड किया और आर्नोल्ड रेंडर भी देख लिया, ये सरियल वाला हो गया करेक्ट।
एंड देन वी हैव द लास्ट वन व्हिच इज नाइट वाला सरियल इवनिंग हाइड नाइट का अनहाइड एंड क्लोज आर्नोल्ड रेंडर व्यू ओपन इट अगेन एंड रिफ्रेश तो देखिए ये नाइट वाला आ गया यस यस राइट करेक्ट मैं आपको एक बार वो वीडियो भेजूंगा जो मैं आपको बताया था कि वो एक आर्टिस्ट लेडी है यू नो शी क्रिएट्स लॉट्स ऑफ वर्जन्स और वो गलती से फर्स्ट वाला वर्जन लीड को दिखाती है और लीड कहता है अरे पहले क्यों नहीं दिखा ये तो पसंद आता था ये तो पसंद आ गया करके एशियन आर्टिस्ट यस तो होपफुली मैं वो वीडियो ढूंढ सकूं ये सब हम लोग के क्या पहले आर्टिस्ट लोग बहुत शेयर करते थे एक दूसरे के साथ में अभी थोड़ा लेना देना कम हो गया है लेकिन आप सोचिए कि फिलहाल हमने ये इसके अंदर लाइटिंग ही किया है इसमें शेडिंग नहीं किया है यानी आप सोचिए कि ये जो बिल्डिंग के विंडोज है फिर ये दरवाजे हैं ये रोड है इसके अंदर हमने अभी तक स्पेक्युलर या रिफ्लेक्शन नहीं डाला है अगर हमने इसके अंदर वो मैट रिफ्लेक्शन डाल दिया होता तो बहुत ही अच्छा दिखता करेक्ट है यानी इट कुड हैव लुक्ड अ लॉट बेटर टेक्सचरिंग अच्छा हुआ है बट देयर इज नो शेडिंग एज यू नो एज ऑफ नाउ तो अगर इस पे शेडिंग पे काम किया जाए और उसके ऊपर टेक्सचर लोड किया जाए तो थिंग्स विल लुक यू नो एटलीस्ट 5 times इवन बेटर ठीक है सो आई थिंक आई एम कीपिंग इट टू दिस आज के लिए और मैं अभी अटेंडेंस ले लेता हूँ टुडे इज डी एन ई तो आज मैं शुरुआत करूंगा ई के साथ यस यानी इट विल बी अ स्टाइलाइज्ड रियलिज्म जैसे आपने बोला ना साइबर पंक के अंदर जो यानी जो उसकी लुक एंड फील है आप एक कॉमेडी टाइप का साइबर पंक बना सकते हैं बराबर ना एक स्टाइलाइज साइबर पंक विच इज यू नो रेलेवेंट फॉर किड्स ऐसा आपको कुछ थीम मिल जाएगा तो यू नो द स्काई इज द लिमिट व्हेन इट कम्स टू लुक एंड फील इफ यू आर राइट एथिकली आप अगर एस्थेटिक सेंस आपको आ गया तो आप कहीं तक भी जा सकते हैं यूजिंग योर लाइट्स एंड ऑल बराबर सो नाउ कमिंग टू टूडेज अटेंडेंस जस्ट अ सेकंड ना मेरे यहाँ से 2 मिनट लग गया हो गया हाँ तो टेकिंग द अटेंडेंस फॉर डी डिवीजन पहले डी डिवीजन ले लेता हूँ टुडे इज 9th सो अनंत इज प्रेजेंट देन नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 4 present, then 6 present, 7, 8, 9, 10, 11, 10 present, 11, 12, 13 present, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18 present, 19 present, 20, 21, 22, 22 present, 23, 21 present, 23, 15 present. Can you please repeat? 20? Sir, 15 roll number. 15 is present. Okay, 15 roll number is present. Fine. And 23, 24, 25, 26. Okay, so D division, it was really nice having you here. Keep practicing. और दिवाली के बारे में कुछ अच्छा सा आइडिया सोच लीजिए सबके लिए भला होगा ओके वो सभी के लिए बेनिफिशियल होगा सो कीप थिंकिंग कीप डूइंग थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स ओके थिंक समथिंग यूनिक विच नोबडी हैज नेवर सीन बिफोर यस ओके आई डोंट नो ऑफिशियली मैं वेकेशन का बता नहीं पाऊंगा आई थिंक जयश्री मैडम इज द राइट पर्सन टू आस्क ठीक है मेरा जो क्लेम रहेगा वो शायद गलत होगा बेटर आप जयश्री मैम से या तो शुभ्रा मैम से जान लीजिएगा नाउ कमिंग टू सागर परमार ही इज प्रेजेंट देन नंबर टू यस नंबर टू कृष्णकांत नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 मयूरेश इज प्रेजेंट ओके देन नंबर 7 इज प्रेजेंट नंबर 8 present number 9 number 10 11 number 12 is present number 11 is not present 13 present 14
15. 15 is present. 16. 17 present. 18. 19. 20. 21. 22. 22 present. 23. 20 present. 23. 24. 25. 26. Okay. So actually, something has just come up and I will have to leave right now. Okay. So I think the Sagar ko kuch issue tha. Sagar ko ek doubt tha. हाँ तो मैं आपको ना ऑफलाइन थोड़ा एक आध दो घंटे के बाद आपको मैं मैसेज करता हूँ, या तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आपका जो क्वेरी वो सॉर्ट आउट कर लूंगा, ठीक है ना? ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू कैन कॉल मी आल्सो, नो इश्यूज, ठीक है? सो आई विल बी टेकिंग अ लीव. नो सर, आपको तो ठीक है. नहीं, इट्स ओके, यू ट्राई सेंडिंग मी द मैसेज, और अगर मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं आपको बताता हूँ, बराबर ना? यू हाँ, आप अपना डाउट पुट फॉरवर्ड कर लीजिए. We'll see. Yes, sir. Okay. So thank you all very much. Thank you, sir. 20 is present. I have counted your presence. Tangi, up E division. 20. Yeah, 20 is present. Okay, 20 is not present. Okay, ho gaya. Yeah. So thank you very much. God bless you. Thank you. Take care. Amit Kumar 21. Amit Kumar 21. Of D division, Amit Kumar from 23. Kaun si division mein? 23. Which division are you saying? E division 23. He is present, no? Aapka toh present ho gaya hai. Yeah, present. Yeah, thank you, Mahesh. Thank you. Take care. Wishing you the same. Bye bye. Take care. Enjoy. Okay, have a great day. See you then.